साईं जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमनी महारानी की जय। भागवत भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। सुभद्रा महारानी की जय। बलभद्र भगवान की जय। समुद्र देव भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत पदानु रेणवा श्यानम तनीज चार्यानम प्रणमामि नमो नमः। यज्ञकृतो जंतुवा सर्वदुखातिगो भवे तमं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम। अज्ञान तिमिरागासे ज्ञान जय शलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि दैशेष लीलाचिरदीशेन लक्ष्मीसहस्रलीलाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्व 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 त्रिविस्तवा षड्विजायते पञ्चदाहृदये मम। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्रीमद् भागवत जिसका सुंदर रसास्वादन करती है।
ये भगवत में जीवात्मा। उड़ीसा के इस जगन्नाथपुरी धाम में आयोजित महेश संगठन चप्पल बाजार हैदराबाद द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लेने का सुंदर सौभाग्य मिला है। प्रभु की करुणा कृपा वात्सल्य है जो अपन सब परमात्मा की इस पावन कथा में विराजमान है। कथा के मुख्य मनोरथी श्री चांदमल अशोक कुमार जी स्वामी हैदराबाद एवं आज गोवर्धन पूजन का जो लाभ ले रहे हैं मनोरथी परिवार श्री रामेश्वर घनश्याम जी लोया लोया परिवार हैदराबाद। प्रभु की करुणा कृपा दया कुछ ऐसी होती है जिसके कारण अपन भगवत तत्व में कोई लाभ लेने का सौभाग्य मिलता है। प्रभु की करुणा बिना प्राप्त नहीं होता। वो करुणा करे तो वो लाभ प्राप्त हो सकता है। एक मां के गर्भ से बच्चा जन्म ले रहा है तो वो जन्म लेने के बाद में सत्कर्मी निकलेगा कि बेकार निकलेगा ये भी उसको मालूम होता है। ये उसके हाथ में। एक चोर बहुत तेज बारिश होने के कारण एक संत की कुटिया में चले गए। और संत की कुटिया में चोर पहुंचे। संत ने पूछा कौन हो आप? महाराज मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, मैं डाका डालता हूं। संत ने कहा मूर्ख, मेरे जैसे संत के झोपड़े में, मेरे जैसे संत के आश्रम में तू आकर बैठा हुआ, तुझे शर्म नहीं आती? मैं एक संत हूं और तू चोर होकर मेरे पास बैठा है? निकल जा मेरे भवन से, बाहर निकलो। चोर ने कहा महाराज जी बहुत पानी गिर रहा है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है, मैं मर जाऊंगा, मैं गीला हो जाऊंगा। संत कहते हैं मेरे जैसे संत के आश्रम में तू चोर मेरे यहां एक मिनट भी नहीं ठहर सकता, निकल जाए इस बार, मैं तुझे नहीं रख सकता, तो निकल यहां से बाहर, तो निकल जाए यहां से। संत ने चोर को बाहर निकाल दिया। चोर बाहर गया, पानी में गीला होता रहा। संत जब विश्राम करने लगे तो परमात्मा की आकाशवाणी हो गई, अरे ओ मूर्ख संत, तुझे तो अब मालूम पड़ा कि यह चोर है तो तूने अपने आश्रम से निकाल दिया, पर मुझे तो इसके जन्म के समय से मालूम था कि यह चोर बनेगा, तो भी मैंने अपनी मृत्यु लोक में इसको रखा है। क्योंकि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती महाराज। कंस 8 भाई थे, कितने भाई थे? 8। 7 भाइयों ने कंस को 50 बार समझाया कि तू कुछ भगवत कर्म कर ले, तू गलत काम मत कर, ये सब गलत है। पर कंस अपनी गलती को मानता ही नहीं था और गलत काम करने में लगा रहे। क्यों? ऐसा गलत काम कंस अगर कर रहा है, उसके करने का कारण
साहूक नाम के राजा के दो पुत्र थे महाराज, एक देवक और एक उग्रसेन। देवक की कन्या थी देवकी, उग्रसेन का बेटा था कंस। अब एक विचार, बड़ा विचित्र विचार है ये, जरा सोचिए, श्रीमद् भागवत का ही बड़ा सोचनीय तत्व सामने आया कि उग्रसेन जी की धर्मपत्नी पवन रेखा, जो भगवत तत्व में हमेशा लीन रहती थी, भगवत भजन में लीन रहती थी, वो कभी शरणागति के पथ से दूर गई नहीं, कभी शरणागति के पथ से वो पवन रेखा दूर गई ही नहीं है भारत। पवन रेखा अपना कर्म कर रही, नित्यपति मंदिर जाना, भजन करना, स्मरण करना। और आपको प्रहलाद का चरित्र जब सुनाया था तो प्रहलाद के चरित्र में कहा था कि पुराने समय में माताएं कहती है कि बहुओं थोड़ा सा भजन कर लो, कीर्तन कर लो, स्मरण कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, अगर अच्छी किताबें पढ़ोगे तो संतान भी अच्छी होगी। भगवत भजन में लीन रहोगे तो संतान को संस्कार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्भ का जो ज्ञान है वो प्रथम ज्ञान है। आप गर्भ से जो ज्ञान प्रदान कर रहे हो उसके बराबर कोई ज्ञान नहीं है। खूब का, पर उसके बाद भी अगर बहु भगवत भजन में ना लगे तो फिर संतान कैसी होती है ये तो भगवान भी जान सकता है और आप भी जान सकते हो। बस यही उग्रसेन जी की पवन रेखा, सात पुत्र जब जन्म लिए तो पवन रेखा ने सात पुत्र के जन्म के समय पर नित्य प्रति भगवान के भजन करती थी, स्मरण करती थी, नाम जाप करती थी, नाम स्मरण करती, भगवत तत्व में डूबी रहती। दिन प्रति पवन रेखा का एक ही काम, भगवान के भजन करना, भगवत भजन में डूबे रहना। अब एक दिन पवन रेखा जब समय के अनुसार रजस्वला धर्म धारण करी, नारी का ये रजस्वला धर्म का जो समय है, जो इंद्र ने दिया है स्त्रियों को, क्योंकि इंद्र एक बार सभा में बैठे हुए थे और इंद्र सभा में विराजमान थे, उसी समय पर बृहस्पति महाराज का आगमन हो गया और बृहस्पति महाराज जब पधारे तो इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए, केवल अप्सराओं का नृत्य देखते रहे। भाई ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ये चल रहा है, आप आ रहे हो जा रहे हो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, अगर इस आयोजन में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ आती है तो वो नाम अगर रहेगा तो सबसे पहले इन संगठन वालों का नाम सामने आता है, इसीलिए इनको ध्यान रखना पड़ता है, कौन ऊपर आ रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन भोजन कर रहा है, कितने लोग भोजन कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, वो व्यक्ति कहाँ गया, वो अभी तक क्यों नहीं आया, समुद्र पर कितने लोग गए हुए हैं, ये सब इसलिए इनकी जवाबदारी होती है। जैसे 31 को अगर 31 तारीख को कई लोग ऐसे हैं कि नहीं सुनते ही नहीं इनका कहना कि नहीं हमको तो जाना है, हमको तो समुद्र पर जाना है, और मालूम पड़े वहां पर लोग व्यसन करें, मदिरा का पान करें और कल से उपद्रव मचे और उसमें आपको हानि हो या आपको अपशब्द कहे तो ठेस तो संगठन को भी लगती है कि हमारा होकर उसको ऐसा कैसे हो गया। तो संगठन का एक बड़ा एक क्रम होता है कि इनको आगे बैठे जरूर हैं, ये आगे इनके बैठने का क्रम, ये मत सोचो कि ये बैठे हैं, ये इनका बैठने का क्रम भी पीछे तक इनकी दृष्टि है, इसलिए इन्होंने एक दो कार्यकर्ता उनको कुर्सी बिठा कर रखा है, तुम वहां तक देखते रहना, और अब की बार तो इधर भी बैठ गए, उधर देखते रहो।
सिंहासन पर बैठ जाना एक अलग बात है और केवल नृत्य देख लेना एक अलग बात है, पर सिंहासन पर बैठकर इंद्र केवल नृत्य में लगा रहा। इंद्र की सबसे बड़ी गलती थी कि गुरु आए, सतगुरु आया, बृहस्पति महाराज आए, देवताओं के गुरु पधारे हैं और उनको आदर नहीं किया गया। तो बृहस्पति महाराज तो चले गए, वो तो गए, उनको कोई मतलब नहीं पड़ा। तुम जानो तुम्हारा काम जानी, इंद्र तूने मान करा तो ठीक, नहीं करा तो ठीक, और बृहस्पति बाबा चले गए। बृहस्पति बाबा गए तो इंद्र ने सोचा, इंद्र को कहा दूतों ने कि भगवान बृहस्पति जी आए थे, गुरु आए थे, उनका आदर नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो मत होने दो, दूसरा गुरु बना लेंगे, तो जरूरी है कि गुरु होना। गुरु कितने होते हैं? एक। हर अवस्था का एक गुरु है। बचपन में मां रूपी गुरु, जवानी में पिता रूपी गुरु, अधेड़ी में शिक्षक रूपी गुरु और बुढ़ापे में सदगुरु रूपी गुरु। पानी पियो छान और गुरु करो। 50 बार विचार करना क्या मैं इसको गुरु बनाने के लिए जा रही हूं, तो ये गुरु बनने के लायक है कि नहीं है। कोई ऐसा गुरु ना बनाइए जो जीवन में आपको तकलीफ उत्पन्न कर दे। आपसे अपने हृदय की बात को, आपके दिल की बात को गुरु समझ जाए। कई लोग गुरु बना लेते हैं, ऐसे गुरु बना लिए कि जिनसे एक बार गुरु मंत्र लिया उसके बाद दूसरी बार मिलना ही नहीं होता, और मिलना भी हो तो दूर से जैसे कृष्णा हो जाए और गुरु जी से कोई बात ही नहीं हो पाए। महाराज गुरु ऐसा होना अपनी जिंदगी में जो आपके हृदय चित्त विचारों को जान सके। आपके जीवन में थोड़ी सी तकलीफ हो, जैसे दशरथ जी के मन में तकलीफ थी तो उन्होंने गुरु बाबा से जाकर कहा गुरुदेव मेरे यहाँ औलाद नहीं है। आपके जीवन में कुछ कष्ट हो तो आप अपने गुरु से जाकर कह सको कि गुरुदेव मेरे मन में, मेरे चित्त, मेरे चिदानंद में, मेरी वृत्ति में आज ये तकलीफ आई है, मैं कुछ जानना चाहती हूँ, आप कुछ बता दीजिए। गुरु आज बृहस्पति महाराज चले गए तो इंद्र कह रहे हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक गुरु गया दूसरा गुरु बना लेंगे, और शास्त्र कहता है गुरु एक, दूसरा गुरु बना लेंगे, और दूसरा गुरु बनाने के लिए पूछा किसको बनाया जाएगा, तो इंद्रदेव घूमते घूमते विश्वरूपा जी के पास चले। एक है विश्वरूप और एक है विश्वरूपा। विश्वरूप शंकर भगवान के समधी, गणेश जी के ससुर। क्या नाम था? जम के बोलिए, विश्व रूप, और एक है विश्व रूपा। एक शंकर भगवान के समधी हैं, सगा जी हैं, एक गणेश जी के ससुर हैं, वो विश्व रूप है, और एक है विश्व रूपा जिसमें आ की मात्रा लग गई, वो इंद्र ने जिनको गुरु पद दिया है वो विश्व रूपा। जिनको देवताओं का गुरु बना दिया, इंद्र ने अपना गुरु बना लिया विश्वरूपा जी को, पर बात करके बनाया मैं तुमको गुरु बना रहा हूं, मेरी एक शर्त है। बोलो क्या शर्त है? मैं आपको अगर गुरु बनाता हूं तो तुम्हारे पास जो दान चढ़ेगा, जो तुम्हारे पास में भाग आएगा, जो तुम्हारे पास में सामग्री आएगी, उसमें से आधा भाग मेरा होना चाहिए, क्योंकि इंद्र का कहना था कि जितना मिले उसमें से 50% मेरा। तो ऐसा गुरु बनने से कौन सा लाभ? 50% मेरा। विश्वरूपा जी भी लोभी थे, उन्होंने कहा ठीक है आधा तुम्हारा आधा हमारा। अब एक दिन विश्वरूपा जी के तीन सिर, उनके तीन मुंह थे, एक मुंह से भाग लेते, दूसरे मुख से इंद्र को देते, तीसरे मुख से राक्षसों को भी प्रदान कर देते। इंद्र को मालूम पड़ा कि विश्वरूपा जी ने छल करा है, तुरंत इंद्र को क्रोध आया, तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। जैसे ही सिर कटा तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई और इंद्र भागा। इंद्र भागते भागते एक कमल के पुष्प की नीचे की जो लंबी डंडी होती है उस डंडी के अंदर जाकर इंद्र छुप कर बैठ गया। अब कमल की डंडी के अंदर इंद्र छुपा है,
देवऋषि नारद गए इंद्रलोक में तो इंद्र मिला नहीं, मालूम पड़ा कि कमल की डंडी के अंदर छुपे। तुरंत देवऋषि नारद उस इंद्र को ढूंढते ढूंढते उस कमल की डंडी के पास में पहुंचे और इंद्र से कहा, अरे ओ इंद्र कब तक छुपे रहेगा। इंद्र ने कहा, मेरे को माथे पे चढ़ने के लिए ये ब्राह्मण हत्या मेरे पीछे पड़ी है, मैं करूं तो करूं क्या। अरे इंद्र मत घबरा, एक काम कर, इस ब्राह्मण हत्या को तू कहीं बांट दे, इस ब्राह्मण हत्या के कुछ हिस्से कर दे। चार हिस्से करे इंद्र ने और चार हिस्से कर इंद्र ब्राह्मण हत्या को बांटने के लिए चला। इंद्र ने जाकर सबसे पहले जल नारायण से कहा, हे जलदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल ने कहा, हम आपसे ब्राह्मण हत्या का अंश लेने को तैयार हैं, मना नहीं है, पर हमारे को एक शर्त है, क्या आप हमें कुछ प्रदान करिए। तो कहा, जल नारायण आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए, जलदेव आपको हम सदा कलकल की ध्वनि कर बहाते रहेंगे। तो जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। क्या है वो, जम के बोलिए, ब्राह्मण हत्या का अंश। आज भी हिंदू धर्म में रीति है, आप ब्राह्मणों का भोजन कराओ, संतों का भोजन कराओ या अपने अतिथि को भोजन कराओ, तो भोजन की थाली आने से पहले उनके पास में जल का पात्र भर दिया जाता है। क्या भर देते हैं, जल का पात्र, उनको जल का पात्र भर कर दे देते हैं। क्यों भर के देते हैं, क्योंकि जब तक भोजन की थाली आएगी तब तक वो जल में अगर फेन भी होगा तो वो जल में फेन अगर पड़ा भी होगा तो वो पात्र आने से पहले जल में से वो फेन समाप्त हो जाएगा, तो ब्राह्मण हत्या का दोष नहीं लगेगा, फिर ब्राह्मण हत्या नहीं लग पाएगी। बड़े प्रसन्न होते हैं लोग, अभी समुद्र के किनारे जाओगे कल कल करता बहता आता है, कितना सारा फेन उसमें रहता है। जो संत होते हैं, वेद पाठी हो या मर्मज्ञ हो गायत्री का, उस कभी समुद्र में स्नान नहीं करेगा। गायत्री का अगर मर्मज्ञ है तो जो दिन की सुबह शाम दोपहर संध्या आदि करता होगा, नित्य प्रति गायत्री का स्मरण करता होगा, सागर में जाकर स्नान कर लेगा जहां गंगा सागर का मिलन है, पर समुद्र जहां पर होगा वहां स्नान नहीं करेगा। महाराज, क्योंकि उसमें फेन की अनुभूति होती है और वह ब्राह्मण हत्या लगे कितना कितना बड़ी बात है आपको मालूम होगा। एक बार ब्रह्मा जी का जब सिर कटा तो उनके सिर कटने से कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, आपको कथा में सुना होगा। कर्मनाशा नदी प्रकट हुई जो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है 14 किलोमीटर की, नेट पे सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर निकलेगा। उसमें यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है ब्रह्मा जी के रक्त से बनी हुई, इसलिए इसमें हाथ न धोइए, इसमें पांव न धोइए। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता। अब कुत्ते को कौन नकल दी कि ये कर्मनाशा नदी, पूरी दुनिया में केवल एक कर्मनाशा, अगर शिव पुराण में देखोगे तो 14 किलोमीटर है और नेट पे सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर निकलेगी। पूरी दुनिया में केवल एक नदी है कर्मनाशा जिसमें बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि ये कर्मनाशा नदी है, ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए, इसको स्पर्श ना करिए। क्यों, क्योंकि अगर इसमें तुम हाथ धोगे पांव धोगे तो ये कर्मों का नाश कर देगी। तुम्हारी सात पीढ़ी में, सात जन्मों में, सात पीढ़ी के अंतर्गत अगर किसी ने दान करा होगा, पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, अगर किसी ने व्रत उपास करे होंगे, किसी ने उद्यापन आदि करा होगा, तो वो सारे कर्मों का नष्ट कर देती है ये कर्मनाशा। एक पक्षी तक उसमें पानी नहीं पीता, कोई जीव उसमें पानी नहीं पीता, बस बह रही है। तो बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, प्रखंड जो संध्या आदि करने वाले होते हैं, वो कर्मनाशा नदी के पार भी नहीं जाते। अगर उस पार किसी का संबंध हुआ तो बरात में भी नहीं जाएंगे, छोरा छोरी को ही नहीं लिया गया कि हमें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो इसको पार करना पड़ेगा, तो कर्मनाशा के पार ही नहीं जाते। तो जल नारायण को दिया, हे जलदेव
आप हमसे ये ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो जल के ऊपर जो फेन है वह ब्राह्मण हत्या का अंश है। फिर कहा अग्निदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए तो अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो अग्नि के ऊपर जो नीली लपट होती है जब यज्ञकर्ता ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं हवन कराते हैं आप लोगों को तो बड़ी खुशी होती है कि आंच जैसी तेज हुई अग्नि तेज हुई घी डाल डाल के आहुतियां दे दे के तुम आंच को ऊपर करते हो बहुत ऊंची करते हो। पर जो चतुर ब्राह्मण होगा वो अपने पास में थोड़ा शरबत बनाकर रखेगा दूध दही मिलाकर रखेगा पानी में और तुरंत जैसे ही आंच ऊपर हुई उसने लोटा भर के डाला। क्यों? क्योंकि अग्नि अगर ऊपर जाएगी ज्यादा ऊंची आंच हो जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी और नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी यज्ञ खंडित। फिर उस यज्ञ का कोई प्रमाण नहीं है जिस यज्ञ में नीली लो आ गई नीली लपट आ गई नीली आंच आ गई तो यज्ञ यज्ञशाला का यज्ञ माना नहीं जाता। कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है घी पे घी डाले जाएंगे घी पे घी डाले जाएंगे और बड़े प्रसन्न होते हैं आंच ऊंची जा रही है बहुत अच्छा। शास्त्र कहता है एक बार यज्ञ में अगर धुआं होगा तो चल जाएगा पर आंच जम के बोलिए ऊंची नहीं होना चाहिए धुआं होगा चल जाएगा बहुत अंधो कोई तकलीफ नहीं पर आंच जहां ऊंची गई उसमें नीली लपट आ गई और नीली लपट आई कि उसमें फिर ब्राह्मण हत्या का अंश लग गया और ब्राह्मण हत्या का अंश लगा तो तुम्हारा करा हुआ सारा यज्ञ सारा पुण्य सब समाप्त हो गया उसका कोई महत्व ही नहीं रहा जो तुमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर उसका कोई महत्व ही नहीं। पुष्टि मार्ग में जशीनाथ जी को मानने वाले होते हैं पुष्टि मार्ग के अंतर्गत भागवत के विराम पर पुष्टि मार्ग में हवन ही नहीं करने देते सोनी जी हवन ही नहीं करने देते वो कहते नहीं गुरु जी हवन ना करिए। क्यों? क्योंकि हमने लाखों रुपए श्रीमद् भागवत कथा में लगाए सारा पुण्य इकट्ठा करा और मालूम पड़े आपने यज्ञ करवाया और आप तो अपने कमरे में रहे गुरु जी और पंडित लोग हवन करा दी और हवन करते करते आंच ऊंची हो गई तो उसमें नीली लपट लग गई और नीली लपट लग गई तो हमारा करा धरा साफ पानी में तो पुष्टि मार्ग में यज्ञ नहीं करने देती हवन नहीं करने। फिर कहते हैं क्या करें तो कहने लगे एक काम करो आप तो भागवत विराम हो गई उसके बाद में गीता जी का पाठ सुना दो सर्वोत्तम जी का पाठ सुना दो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ सुना दीजिए बस इतना कर दीजिए हमारी भागवत पूर्ण हो गई हमें गीता जी सुना हमें सर्वोत्तम जी कह दो महाराज। अब भागवत कह रहे भागवत वर्णन शास्त्र कह रहा है अग्निदेव को नीली लपट आई ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। फिर कहा पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने कहा आप हमें ब्राह्मण हत्या हमें लाभ क्या होगा तो भगवान बोले पृथ्वी हम तुम्हें हमेशा आनंद में रखेंगे भरपूर उदर प्रपोषण देते रहेंगे आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। तो पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है और पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगता है उस वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। गोंद आपके घर की बहू का जापा हो आपके घर के बहू को छोरा छोरी हो खूब गोंद तल तल के घी में खिलाओ तो जापा अच्छा रहेगा। पर भगवान को अगर प्रसाद बनता है भगवान का छप्पन भोग बनता है भगवान की प्रसादी बनती है तो उसमें गोंद नहीं डलती। अगर गोंद तलकर तुमने भगवान के लड्डू में प्रसाद में काय में डाल दी तो वो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता है इसलिए गोंद के अंदर ब्राह्मण हत्या का अंश है। गोंद इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डाली जाती। आप लोग जन्माष्टमी पे बनाते होगे ना बनाते हो तो उसमें गोंद तो नहीं डालते ना नहीं क्योंकि गोंद डालते ही नहीं अगर गोंद डाला तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लग गया इसलिए उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दो सब कुछ डाल दो पर गोंद तल के नहीं डाल सकते आप मखाने डाल दीजिए बादाम काजू पिस्ता केसर आदि जो डालना है डालो पर गोंद उसमें तल कर नहीं डालते क्योंकि गोंद डाला तो उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश लगा ब्राह्मण हत्या का अंश लगा तो तुम्हारा खरा धरा सब पानी उसका जय जय श्री ब्राह्मण हत्या का अंश।
ये तीन स्थान पर बांटने के बाद इंद्र ने सोचा मैं ये ब्राह्मण हत्या का दोष चौथी जगह कहां पर दूं, तो ब्राह्मण हत्या का अंश दिया। हे स्त्री, हे नारी, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। तो नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। तो नारी ने कहा मैं ब्राह्मण हत्या का अंश ले लूंगी, मना नहीं है, पर मेरा लाभ क्या होगा, हम तुम्हें सुंदर बनाकर रखेंगे। भगवान, स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। तो स्त्री का रजस्वला होना ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। नारी जो 5 दिन 7 दिन काम नहीं करती, मंदिर में नहीं जाती, स्मरण नहीं करती, जो स्मरण पूजन भोजन आदि नहीं बनाती करती, वो केवल रजस्वला होना उस नारी का ब्राह्मण हत्या का अंश है स्त्री। तो ये जो कथा ली है अपन ने भागवत की, जो पुरानी छूट गई थी इंद्र की कथा, वो अभी इसलिए ली क्योंकि कंस की कथा इसी रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई है। जो कंस जो पैदा हुआ है, कंस जो जन्म लिया है, वो इसी रजस्वला धर्म से जुड़ा हुआ है। कंस के जन्म की जो कथा है वो इसीलिए, इस कथा को अपन ने छोड़ के रखी थी पीछे, इसको अब लेके आने थे। उग्रसेन जी की धर्म पत्नी पवन रेखा आज रजो धर्म से थी, और रजो धर्म के बाद में पवन रेखा ने सिर धोया, माताएं माथा धोती है, सिर धोया और स्नान कर सिर धोकर पवन रेखा अपनी सहेली के साथ में आज बगीचे में चली, और बगीचे में गई, और जैसे ही बगीचे में पहुंची वहीं पर द्रुमलिक नाम का राक्षस घूम रहा था। उस द्रुमलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा का सौंदर्य देखा, बड़ी सुंदर थी पवन रेखा, और बाल धुले हुए थे, केश खुले हुए थे, बड़ी सुंदर लग रही थी। देखकर द्रुमलिक ने विचार करा, इतनी सुंदर पवन रेखा है, क्यों ना मैं इसके साथ कुछ दिन रहूं, और उग्रसेन जी का रूप रखकर पवन रेखा के साथ में द्रुमलिक नाम का राक्षस उसके साथ रहने लगा। पवन रेखा, अब द्रुमलिक नाम का राक्षस जब पवन रेखा के साथ रहने लगा, समय आया, पवन रेखा के गर्भ में उस द्रुमलिक नाम के राक्षस का बालक ने जन्म लिया, और बालक जन्म लिया तो उस द्रुमलिक नाम के राक्षस का तेज पुंज जब उसके गर्भ में गया तो जेब सोच में पड़ गई, मैं इतना भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, ये मेरा पति नहीं है। भजन के चित्त से स्मरण कराया, द्रुमलिक राक्षस सामने प्रकट हो गया, पवन रेखा मैं राक्षस हूं, पर मेरे द्वारा तुम्हारा गर्भ जो ठहरा है, इससे जो बालक जन्म लेगा, अति वीर बालक जन्म लेगा, बस इतना जरूर है कि मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूं तो ये बालक भी राक्षस प्रवृत्ति का होगा। उग्र सेन जी के द्वारा जो संतान जन्मी 7 पुत्र, वो तो सब धर्मात्मा हुए, पर द्रुमलिक नाम के राक्षस के द्वारा जो संतान पैदा हुई वो राक्षस प्रवृत्ति की हो गई। पवन रेखा श्राप देती उस द्रुमलिक को, उससे पहले द्रुमलिक ओझल हो गया, चले गया, द्रुमलिक गया, पवन रेखा का गर्भ रहा। समय आने पर पवन रेखा के गर्भ से कंस का जन्म हुआ। कौन से दिन? भगवान कृष्ण कब जन्मे थे? अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, समय जम के बोलो, रात के 12। राम जी कब जन्मे थे? दोपहर वाला, चैत्र का महीना, कौन सी तिथि थी? 9। ये तो तुम जो भगवान थे उनके जन्म का हो गया, अब इनके विरोधी कब जन्म? वही तो ध्यान होना चाहिए, सामने वाली पार्टी से लड़ने जा रहे हो तो ये है कब की, विचार तो करा जाए। कंस का जन्म कब हुआ था? गुरुवार का दिन, द्वादशी तिथि, और दोपहर के 2 बजे कंस पैदा हुआ था। कितनी बजे? 2। कंस का जन्म, जब जन्म हुआ उसके जन्म पर गधे चिल्लाने लगे,
कौन चिल्ला रहे थे? गधे। पेड़ पौधे अपने आप टूट टूट के गिरने लगे अपने आप। जो सुंदर पक्षी हैं वो सारे के सारे वन में से भागने लगे, दौड़ने लगे, सब दूर भाग, सब दूर दौड़। हवा ऐसी चल रही थी जिसमें धूल उड़ रही थी, रज उड़ रही। पवन रेखा की आंख में आज आंसू आ गए कि ये जो बालक ने जन्म लिया है ये बालक श्रेष्ठ नहीं है, बालक श्रेष्ठ नहीं है, ये पवन रेखा के ध्यान में आ गया। फिर भी पवन रेखा ने जब बालक को जन्म दिया, जन्म देने के बाद पवन रेखा ने जैसे ही बालक की नाल कटे, उसके पहले जब ये उपद्रव मालूम पड़ा, पवन रेखा ने भगवान से विनती करी, मैंने अपनी जिंदगी में आपका मंदिर नहीं छोड़ा, मैंने अपनी जिंदगी में आपका भजन नहीं छोड़ा, मैंने अपनी जिंदगी में आपकी शरणागति नहीं छोड़ी, हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे राम, ऐसी कृपा करना मेरा बालक भले राक्षस प्रवृत्ति का जन्मा हो पर अंतिम समय में इसको दर्शन आप ही देना, संहार आपकी कर। ये पवन रेखा अपनी औलाद के लिए मांग रही है। एक मां की करुणा देखिए, भले औलाद कैसी भी हो, भले बेटा कैसा भी हो, कैसा भी हो, भले भले। कोई कोई माताएं ऐसी रहती हैं, वो कहती हैं महाराज मेरी तो बहू मुझे नहीं पूछ रही, गुरुजी मेरा बेटा मुझे नहीं पूछ रहा, फोन तक नहीं लगाता, बहू मेरे को पूछती नहीं है, मैं करूं क्या? अगर उस माताजी तुमसे ऐसा बोले और तुम माताजी से क्यों, अगर तुम्हारा बेटा तुमको नहीं पूछता, तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती, तो एक काम कर, इतनी सारी दौलत इकट्ठी करके रखी है, थोड़ा बहुत दान धर्म पुण्य में लगा दे। नहीं लगाई, किसको देगी? भले वो बहू पूछे ना पूछे, बेटा पूछे ना पूछे, क्यों? क्योंकि पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी। भले कैसा भी है पर मेरा बेटा है, कंस पवन रेखा का पुत्र था, भले वो द्रुमलिक राक्षस के द्वारा जन्म लिया हो, अरे इसको मैं छोड़ू तो छोड़ू कैसे? कितनी सुंदर बात कही पवन रेखा ने। पवन रेखा कहती है नारायण हे दामोदर, पवन रेखा शालिग्राम जी का पूजन करती थी। किसका पूजन करती थी? शालिग्राम। देखें, अरे बोलो तो कहां होते हैं? गंडकी नदी मुक्ति नारायण, एक है त्रिजुगी नारायण केदारनाथ जी से नीचे लेफ्ट हैंड में, जिसको बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है, तो जहां पर सती और शिव का विवाह हुआ है वहां 7 कुंड बने हुए हैं, आज भी उनके विवाह की अग्नि वहां जल रही है, उस 7 कुंड का पानी लाकर कैंसर जैसे मरीज को थोड़ा थोड़ा कर पिला दो, उसका धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाता है। एक कहते हैं त्रिजुगी नारायण और दूसरा है कौन सा? मुक्ति नारायण। नेपाल और चीन की बॉर्डर पर, चाइना की बॉर्डर, वहां पर अपने हाथ में ऐसे तुलसी को अंगूठे में दबा लो, आप लोग गए होंगे, कोई तो गया होगा, तो ऐसे दबा लो, अभी हम लोग गए थे वहां, तो दबा इसको, तो ऐसे दबा कर हाथ गंडकी में दीजिए, देते से ही तुलसा बह जाती है और शालिग्राम जी आ जाते हैं। बस एक प्रॉब्लम है वहां कि शालिग्राम जी अपने पास में आ जाते, शालिग्राम जी का जो पाषाण होता है उसमें कीड़ा होता है, वो कीड़ा तुलसी खाता है और सोना उगलता है, तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपने से शालिग्राम जी ले लेती है, उसको फोड़ के उसमें से सोना और कीड़ा दोनों निकाल लेती है, फिर अपने को शालिग्राम, ओरिजिनल शालिग्राम जी के दर्शन करें आप लोगों ने, नहीं करे कभी? नीचे स्लाइड है, नीचे कमरे में, आज मौका है कर ले, साल के एंड में शालिग्राम जी का दर्शन करें। तो दामोदर जी का, शालिग्राम जी का स्मरण करते थे, अच्छा सभी लोगों के सोचने में आता होगा, थोड़ा थोड़ा कभी विचार करिए कि हमारे हिंदू धर्म में कैसी कैसी नदियां हैं,
हमारे हिंदू धर्म में कैसी किसी लीला है भगवान। कभी एक बार मौका लगे तो मनाली जाइए, कुल्लू मनाली। मनाली में बिजली महादेव है, बिजली महादेव जहां पूरे मनाली में बिजली जब गिरती है तो सबसे पहली बिजली बिजली महादेव पर गिरती है। इतने बड़े शंकर जी, उनके ऊपर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर एक वहां विकलांग परिवार है, लंगड़ा परिवार, जिसके यहाँ कभी कोई साबुत पैदा ही नहीं हुआ। वो परिवार का व्यक्ति सारे गांव से मक्खन मांगता है डोलची में, और मक्खन मांगकर धीरे धीरे ऊपर जाता है, टुकड़ों को उठा उठा कर मक्खन से जोड़ता है। जोड़ने के बाद हजारों जनता वहां देखने के लिए खड़ी रहती है, सबके सामने वो जोड़ता है। जोड़ने के बाद में हाथी की सूंड, क्या हाथी के पांव से भी तोड़वा दो तो वो शिवलिंग टूटता तक नहीं है, ऐसा बिजली महादेव मनाली में विराज। कभी मौका लगे आप लोग कुल्लू मनाली जाए तो वहां दर्शन करके आना बिजली महादेव। बस थोड़ा सा ऊंचा है, चढ़कर जा सकते हो आप लोग। बिजली महाराज, ऐसे कुछ स्थान कभी मौका लगा करे तो अवश्य जाया। भगवत तत्व को धारण करने वाले, भगवत तत्व का स्मरण करने वाले महाराज, वो पवन रेखा जो थी वो शालिग्राम जी का स्मरण, दामोदर का स्मरण करती थी, नित्य प्रति भगवान की भक्ति में डूबा करती थी। नित्य प्रति उसका नियम ही था भगवान का भजन। उसने अपने सात पुत्रों के लिए कुछ मांगा नहीं मांगा, पर वो राक्षस से जो जन्म ले रहा है उसके लिए जरूर मांगा। ये मां की करुणा। पार्वती जी ने सबसे पहले कार्तिकेय का विवाह करा था कि गणेश जी का विवाह करा था? जम के बोलो, गणेश जी का। क्यों करा गणेश जी का विवाह? क्या कारण था? क्योंकि पार्वती को मालूम था मेरा बड़ा लड़का तो चतुर है, दिखने में भी सुंदर है, कामकाज भी अच्छा कर लेता है, पर दिक्कत तो इसकी है, सून सुंडाला है, नयन विशाला है। सुंड सुंडाला नयन विशाला, दिक्कत तो इसकी है, तकलीफ तो इसकी है, इसको कन्या कौन भी आएगा? तो ये सोचने में बोल शालिग्राम भगवान की। ये पाषाण स्वरूप अभी हम लोग गए थे, जब तुलसी हाथ में डाली गंडकी में तब हाथ में आया, पर ये पाषाण स्वरूप शालिग्राम जी को वहां की गवर्नमेंट ले लेती है। इसमें कीड़ा रहता है, उसको फोड़ कर निकाल लेती है। ये शालिग्राम स्वरूप, इसके अंदर कीड़ा रहता है और यहां सोना जमा होता है, पूरे दोनों तरफ सोना ही सोना रहता है। ये ओरिजिनल शालिग्राम जी का आपको दर्शन कराया है। बोल शालिग्राम भगवान की। जो शालिग्राम जी पूर्ण रहते हैं वो तो नदी में से कोई पत्थर उठा कर लिया है, वो बात दूसरी रहती है, पर तुलसी देकर जो शालिग्राम जी आते हैं वो हाथ में आते से उसको तुरंत वहां का जो चौकीदार है वो छुड़ा लेता है, और छुड़ा के उसको फोड़ के उसमें से अंदर लेबोरेटरी में लेकर जाके उसका सोना और कीड़ा दोनों निकाल। एक बार शालिग्राम भगवान के लिए जोरदार ताली, स्वागत करें भगवान पधारे। बोल शालिग्राम भगवान की। भगवत तत्व का स्मरण करें, भगवत रसास्वादन, और भगवत रसास्वादन के सुख में भक्ति का प्रतिबिंब स्वरूप, बिना यहां पवन रेखा अगर भगवान से कुछ मांग रही है, पवन रेखा भगवान से कह रही है तो सात पुत्रों के लिए नहीं मांगा, पर पवन रेखा ने एक पुत्र के लिए जरूर मांगा, क्योंकि जो राक्षस प्रवृत्ति का पैदा हुआ है इसकी मुक्ति सही हो जाए, ये मोक्ष सही हो जाए। भगवान से विनती करते, समय आया, कंस जन्म तो ले लिया पर चिंता पवन रेखा को। भगवान जन्मे उसकी चिंता देवकी वसुदेव को नहीं थी,
पर कंस जन्मा उसकी चिंता पवन रेखा। पवन रेखा को बहुत, कंस जब छोटा था तो उसने खूब भजन भी करा कि इसको कुछ मिल जाए, इसको प्राप्त हो जाए। परंतु जो भाग्य में लिखा है उसे टाल कौन सका है। समय आया, कल अपन ने कथा में सुना था, देवक की कन्या देवकी का विवाह जो वसुदेव जी के साथ में हुआ है उसको छोड़ने के लिए कंस जा रहा है। कंस का आत्मीय प्रेम देवकी के प्रति बहुत रहा, भले वो कैसा भी था, किसी को नहीं मानता था पर देवकी को बड़ा मानता था। और देवकी साथ में वसुदेव जी के साथ विवाह कराने में भी अग्रण्यता उस कंस की रही है, क्योंकि वसुदेव सत्यवादी थे, वसुदेव की सत्यता का प्रमाण वसुदेव देते थे, वो कभी गलत मार्ग पर वसुदेव जी चले ही नहीं। इसलिए कंस ने अपने काका से कहा था, देवक से, काका जी अपनी बेटी देवकी का विवाह, मेरी बहन देवकी का विवाह आप इस वसुदेव जी से कर दीजिए, उनके कहने पर विवाह कर। और सोचने वाली बात है कि वही वो लेकर जा रहा था जो प्रेम करता है, वात्सल्य करता है, करुणा रखता है, वही कंस आज देवकी का कत्ल करने को तैयार हो गया। सोचो, यही बस ये कथा की मूलता को लीजिए। हमको मीठा प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुतता में प्रिय है, तो वही मिठास एक दिन तुम्हारे दांत को सड़ा देगी, वही मिठास, वही मिठास आपके दांत को सड़ा दे। आपको जो बहुतता में प्रिय है वही आपको दुख दे जाता है, जो बहुतता में आपको प्रियता लगती है वही दुख का कारण बन जाता है। भाई भाई, कई माताओं को, इसलिए माताओं से निवेदन हम हर बार करते हैं कथा के माध्यम से, आप अपने बच्चों से कोई आशा मत रखना कभी भी जिंदगी। आप अपने पर आसक्त रहिए, आप अपने पर आश्रित रहिए, और दूसरा आश्रित रहना है तो उस मेरे दीनानाथ मेरे ठाकुर पर आश्रित रहिए। कभी मत कहना कि मेरा बड़ा बेटा मेरी सेवा करेगा कि छोटा बेटा सेवा करेगा कि मंजला करेगा। भगवान से प्रार्थना करना, मेरे सांवरिया सेठ, सेठों में सेठ सांवरिया, इतनी कृपा करना कि मुझे किसी की सेवा की जरूरत पड़े ही नहीं, मुझे नहीं पड़े। बहुत विचित्र बात है, दुनिया के लोग कहते हैं थोड़ा बचा कर चलिए बुरे वक्त में काम आएगा। कई लोग कहते हैं, आप लोग भी कह देती होगी कई बार अपने बच्चों से, और बच्चे भी कहते होंगे थोड़ा बचा कर चलिए बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा बचा कर चलिए बुरे वक्त में काम आएगा। पर शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है, भगवान का इतना भजन कर लो कि बुरा वक्त ही काय को आएगा। आप भजन कर तो देखो, अगर आप सोचकर बैठे हो कि थोड़ा बचा कर चलो बुरे वक्त में काम आएगा, तो यह पक्का है कि तुम सोचकर बैठे हो कि अपना बुरा वक्त आएगा। भगवान देना नहीं चाह रहा, पर तुम्हारे मन में भरा हुआ है कि थोड़ा बचा के चलो बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा बचा के चलो बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बुरा वक्त आएगा, क्योंकि तुमने सोच लिया कि बुरा वक्त में काम आएगा, मतलब बुरा वक्त पक्का है आएगा। और अगर आपने सोचा ही नहीं कि बुरा वक्त आएगा ही, कर्म ऐसा करा है मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने द्वारका में, मैंने जगन्नाथपुरी में, मैंने हैदराबाद में इतनी कथा का रसपान किया है, तो बुरा वक्त कैसे आ सकता है। मैंने अपनी पूंजी का सत्कर्म करा है, मैंने अपनी पूंजी का धर्म में लगाया है, मैंने अपना समय भगवान के भजन में लगाया, तो मुझे कष्ट क्यों आ सकता, क्यों आए। बुरा वक्त उसका आता है जो कभी भगवत तत्व को धारण ही नहीं। जिसने भगवत तत्व को धारण करा, भगवान परीक्षा जरूर लेता है, पर हर परीक्षा में तुम्हें पास करते चले जाता है, हर परीक्षा पास करा। आज ये मुख्य मनोरथी बन के लोया परिवार बैठा हुआ है, हमारे सोनी जी बैठे हुए हैं, कल
सोनी जी थे। तो ऐसे जो सत्कर्म करने में हमने अपनी पूंजी को, अपने धर्म को जो अग्रण्य भाव में रखा है, हम अपने चित्त वृत्ति को जो परमात्मा में लगा रहे हैं, बस इतना याद रखो, अपने चित्त को और अपने वित्त को, दोनों को भगवान में लगा कर रखिए, जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आ सकती। क्या क्या चीज? चित्त और वित्त। वित्त मतलब लक्ष्मी, धन, जो कमा रहे हैं उसका थोड़ा भाग भगवान की भक्ति में रमण कराइए महाराज। बहुता में नहीं, थोड़े। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है। अभी हम लोग, आप लोग जगन्नाथ मंदिर गए हो? अरे बोलो तो, गए हो? रोड पे भिखारी उनको देखा है? देखा है? लोग इतना सारा 1 किलो चावल लेके चले, देखा है आपने? इतनी इतनी सी कटोरी भर भर के सारे भिखारियों को दे रहे, सबको दे। अग्नि पुराण के अंदर लिखा है 10 भिखारियों को 10 जगह पर दान देने से अच्छा है वो 1 किलो चावल किसी एक भिखारी को दे दो तो पेट भर कर बनाकर खा तो लेगा। अग्नि पुराण कर, आपने 10 को दिया। मुझे याद आ गई कथा, एक और कहा पुरुषोत्तम जी कथा कराए बद्री नारायण माँ, वो एक माता जी, वो धोती महाराज मोदानी जी, और एक बनियान उसमें, और एक टावी और एक रुमाल, ऐसा 4-5 चीज थी। हमारे ऐसे पंडित लोग 5 बैठे ना, जैसे 4-5, तो वो लेके आई, बनियान इनको दे दी, रुमाल इनको दे दिया, धोती इनको दे दी, टावी इनको दे दिया। माँ, ये दान की महत्वता है क्या? दान की महत्वता पूर्णता का दान है। 10 ब्राह्मण को भोजन कराने से अच्छा है 1 कराओ, पर संतुष्टि से होना चाहिए। 10 भिखारियों को भिक्षा देने से अच्छा है 1 को दो, पर संतुष्टि से होना चाहिए। 10 मंदिर डोलने से अच्छा है 1 मंदिर जाओ और दर्शन प्रेम से होना चाहिए। 10 जगह पर चित्त वृत्ति को लगाने से अच्छा है 1 साधे सब सधे, सब साधे बिसरा, 1 की साध्यता पूर्ण हो जाए। 1 की साध्यता जब पूर्ण हो जाएगी तो उसमें जो आनंद की अनुभूति होगी, वो आनंद जो सुख मिलेगा संतुष्टि का, वो एक आनंद करने वाला होगा। आनंद आप, कई लोग पूछते हैं महाराज जी माला लेके बैठे रहते हैं, क्या हुआ? माला लेकर बैठे हुए, कई लोग माला लेते हैं, कई लोगों को देखा हुआ आपने माला लेके बैठे हैं। पहले एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय महाराज, दूसरी माला ओम नमः शिवाय, तीसरी माला ये वाली, चौथी माला ये वाली, पांचवी माला गुरु मंत्र की। तो शास्त्र, ये शास्त्र वर्णन नहीं करता, हमारा शास्त्र कहता है आप अगर जप रहे हो तो 1 ही मंत्र आप 10 माला का कर लीजिए, 1 ही मंत्र जप लीजिए, उसी में भगवान की भक्ति का मूल केंद्र बन जाएगा। उसी में शंकर, उसी में राम, उसी में जगत जननी, उसी में दत्त, उसी में मेरा हरि विट्ठल सब आ जाएगा। जब तो एक साल सब साध्य नहीं। कंस देवकी से अधिक प्रेम करता, मेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दीजिए। काका जी, देवक से कहा, काका जी मैं देवकी का विवाह कर दूं वसुदेव जी के साथ, क्योंकि वसुदेव सत्य की मूर्ति है, कंस को भी सत्य प्रियता है, उसको भी लग रहा है कि विवाह होना चाहिए। जब
देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करा, कंस की वृत्ति थी ठीक, देवकी और वसुदेव के प्रति बहुत निर्मल था। शास्त्र कहता है देवकी के विवाह में राजा देवक ने जितना कन्यादान दिया था वसुदेव को, उससे 1,00,000 गुना कन्यादान कंस ने देवकी के कन्यादान में दिया था। 1,00,000 गुना कन्यादान देवकी के कन्यादान में दिया है वसुदेव जी महाराज को। किसने? अरे बोलो जमके, कंस ने। तो पवन रेखा सबसे ज्यादा खुश हुई, मेरा बेटा भले राक्षस प्रवृत्ति में जन्मा है, ये राक्षस की औलाद है, पर मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ये सत्कर्म में लगा हुआ है। उसको प्रसन्नता हो गई, वाह वाह बहुत बहुत प्रसन्न। कुछ भी मत दो। एक अपनी जो बहनें आए हैं, कौन आती है बहन, एक भाई की अगर बहन आती है ना, तो माता जो बूढ़ी माँ होती है ना, वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है कि मेरी लड़कियां आई और मेरी बहू और मेरा बेटा उनसे प्रेम से बोला। मत दो कुछ, क्या दियो? मीठी। मेरा घर की बूढ़ी बूढ़ी माँ प्रसन्न होती है, क्योंकि तुमसे बूढ़ी माँ ये नहीं कहेगी कि तुम इसको 500 का नोट दो, वो बूढ़ी माँ तुमसे ये नहीं कहेगी कि इसको 1,000 रुपए दो, क्योंकि बूढ़ी माँ चतुर खुद है, उसको मालूम है मेरी बेटी और दामाद आए तो मेरे को देना है, वो खुद दे देगी निकाल के और चुपचाप से दे देगी, तुम्हें मालूम तक नहीं पड़ने देगी, कब देगी वो दे देगी। पर उसकी मूलता क्या है? मूलता कह रही है कि मेरी बेटी और दामाद जब आए हैं तो इसके चेहरे पर प्रसन्नता हो, वाणी की मिठासता हो, इसकी वाणी पर करुणता हो, और तुरंत पूछे जीजी कैसी है, कब आई, अच्छा हुआ आ गई, पहले दिन से आना था तो आ आई है। तो ये वात्सल्य जो उमड़ता है, ये प्रेम जो उमड़ता है भाभी के ननन से, जीजी क्या इतने दिन बाद आई, साथ में आना था, आनंद लेना था, बहुत आनंद आया, आओ तो सही। तो ये जो प्रेम है, ये बूढ़ी माँ को बूढ़े बाप को अति प्रिय लगता है कि मेरी बेटी के प्रति समर्पण। तो पवन रेखा को, कंस की माँ को ये प्रियता लगी कि मेरे कंस देवक काका ने, मेरे देवर ने जो कन्यादान दिया वो तो अलग, पर कंस ने जो कन्यादान दिया वो 1,00,000 गुना कन्यादान वसुदेव जी को दिया था। और वसुदेव जी महाराज को विदा करते समय ढेरों पकवान खिलाकर हाथों से मिठाई खिलाई, देवकी को हाथों से भोजन बना बना कर खिलाया कंस ने। पर जहां मिठास है वहां पर दांत तो सड़ ही जाए, बच्चे ज्यादा टॉफी खाएंगे तो, अरे बोलो तो, दांत सड़ गया। और जब छोड़ने के लिए कंस चला, कुछ दूरी जाते ही आकाशवाणी हो गई, रे कंस तो जिसे छोड़ने के लिए जा रहा है यही देवकी का अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण। कंस उसी समय देवकी को मारने के लिए आतुर हो गया। वसुदेव जी ने कहा, कंस तुम जानते हो मैं सत्यवादी हूं, इसको जितनी औलाद होगी तुम्हें ला कर दे दूंगा, तुम मत मार, मत मार, ठीक है। कंस को विश्वास था वसुदेव जी पर, बहुत विश्वास। कंस ने कहा ठीक है। अब उपद्रव जो चालू हुआ, कंस का क्रोध में आ गया, सारा चारों तरफ देवक हो चाहे उग्रसेन हो सबको बंदी बना दिया देवकी के लिए। इस देवकी को छोड़ तो दिया है मैंने, और आखिरी में वही देवकी को कारागार में ले जाकर डाल दिया। 4 पात्रों के बल पर पूरा 10वां स्कंद लिख दिया श्री वेदव्यास जी। कितने पात्र? 4। पहली देवकी, दूसरे वसुदेव, तीसरी यशोदा, चौथे नंदबाबा। ये 4 पात्रों पर पूरा 10वां स्कंद वर्णन कर दिया मेरे वेदव्यास जी महाराज ने। पहला पात्र है देवकी। देवकी कौन? तो श्रीमद् भागवत कथा कहती है देवकी निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति कैसी? कि भगवान के मंदिर में गए, तुमने कुछ मांगा, इसको कामायुक्त कहते हैं, और भगवान के मंदिर में जाकर तुम कुछ मांगो मती, देकर आइए, वो निष्काम भक्त, उसको निष्काम भक्त।
इतना बड़ा मिठाई का डब्बा ले गए 5 किलो का और भगवान के मंदिर में दे दिया और इंतजार कर रहे हो कि वो डब्बा कब मिलेगा है? अब तुमने भगवान के मंदिर में दे दिया वो तो भगवान को समर्पित हो गया, तुम तो जाओ नहीं, इंतजार है वो डब्बा आने, तो हमने 500 रुपए का दिया, हमने 5 किलो लड्डू भर के दिए। अर्थात भगवान को तो केवल दिखाना था लड्डू, तुमको अपनी गाड़ी का बंटवाना था जो गाड़ी खरीदी, तो उसको समर्पण नहीं कहेंगे, उसको निष्कामता नहीं कहेंगे, उसको कामयुक्तता कहेंगे, जिसमें तुम्हारी ललकता हो, जिसमें तुम्हारे कुछ लोभ हो, जिसमें तुम्हारे पाने की आशा हो, उसको कामता कहें। जो एकादशी का व्रत तुम करते हो और ये सोचकर कर रही हो कि हम एकादशी करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, तो वो एकादशी कभी तुम्हें नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। एकादशी की प्रमाणिकता है कि एकादशी का व्रत मोक्ष के लिए नहीं करना। हम एकादशी का व्रत क्यों कर रहे हैं तो कहा कि एकादशी का व्रत करने से मेरा दामोदर, मेरा सांवरिया, मेरा कृष्ण, मेरा मुरलीधर, मेरा राम, मेरा शालिग्राम प्रसन्न होता है और दर्शन देता है। अगर दर्शन की ललकता से आप व्रत करोगे तो 26 एकादशी पूरी होते होते एक एकादशी पर मेरा सांवरिया तुम्हें दर्शन जरूर दे देगा, ये पक्का है। पर तुम एक कामना कर रही हो कि मैं, और कई कई लोग तो उसको काम मान लेते हैं, जैसे किसी माता से पूछो क्यों दिन भर क्या करती रहते, अरे सुबह से उठो भगवान को अगरबत्ती लगाओ, झाड़ू पोछा करो, ये करो वो करो, फिर भगवान का सेवा करो, काम करो, भगवान के नीला धुलाओ, कपड़े में पड़े पहनाओ, पहनाने के बाद उनको भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद अपने घर में लग जाओ, कितना काम है। भगवान की सेवा को भी लोगों ने काम मान लिया। अब भगवान की सेवा को काम मान लिया तो भगवान ने भी कहा तूने मेरे सेवा को काम माना है तो मैंने भी तनख्वाह देना चालू कर दिया। पहले खूब कमाता था क्योंकि तू सेवा करता था, अब क्या करता है काम। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा और अब तुम काम कर रहे हो तो क्या मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। अब तनख्वाह मिली तो थोड़ा बहुत जो भी तनख्वाह पगार है 4,000-10,000 रुपए महीना, वो तुम्हारी दुकान में कमाई उतनी की उतनी होती रहती है, 10,000-12,000, 10,000-15,000, 20,000 जो भी तुमने एक लिमिट का बांध रखा है ना, दिन भर में उतनी कमाई हो जाती। क्यों? तो कई बार तुम्हारे मन में आता है ये उतना की उतना ही क्यों होता, थोड़ा भड़के होना चाहिए, तो भगवान भी कह रहे भड़के होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं पर सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तुमने काम मान लिया, दादाजी तो अगरबत्ती लगाते थे अपन भी लगा दो, दादाजी झाड़ू लगाते थे अपन भी लगा दो, दादाजी पानी छींटते थे अपन भी छींट दो, जैसे दादाजी करते हुए आए हैं काम वैसे तुम भी कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे, प्राप्ति कैसे। इसलिए सेवा की मूलता कहते हैं कि नौकर रख ले सांवरे, हे मेरे नाथ तो एक क्रम कर ले या तो मुझे नौकरी कर ले तेरे दरवाजे की। वो कहे नौकरी पक्की करो गोपाल, मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो गोपाल, मेरी नौकरी पक्की करो, हे नौकरी पक्की करो गोपाल, मेरी नौकरी पक्की करो गोपाल, मेरी नौकरी पक्की करो। Thank you.
से भटक रहा हूँ, जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, ढोलक चौरासी को काट रहा हूँ, लक चौरासी को काट रहा हूँ, ढोलक चौरासी को काट रहा हूँ, लक चौरासी को काट रहा हूँ, पक्की करो तो नौकरी पक्की करो, गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी गोपाल मेरी नौकरी पक्की करो। जय जय श्री, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो राधे। भगवत तत्व की शरणागति का बिंदु, देव की मैया निष्काम भक्ति है, वसुदेव जी आनंद है। क्या है वसुदेव जी? आनंद का मतलब जानते हो? छोटा मकान था तब सुखी थे कि बड़ा मकान है तब सुखी हो? बड़ा मकान बन तो गया, पहले छोटा मकान था, कोई भी आ जाता था, वही सबके गद्दे लग जाते एक ही जगह पे, सब वही चाय बन जाए, वही की वही सबको दे दो, वही खा लिया पी लिया, वही बैठे बैठे बात भी होती रहती सबसे, मामा काका बुआ चाची जो आई सब वही, कपड़े भी वही की वही धो के बाहर डाल दी। और जब से ये 2-3 मंजिल का मकान बना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस जिसके मकान बड़े हैं, आप अपनी छत पर कितनी बार चढ़े? एक बार जब मकान का मुहूर्त करा होगा तब, और 2-3 बार कभी करवा चौथ पे गई हो चांद देखने, साल में एक आध बार तब। सही बोलो ईमानदारी से, रोज जाते हो क्या? नहीं, दरवाजा लगा हुआ है, जाना ही नहीं होता, पहुंचना ही नहीं होता। क्यों? छोटा मकान था तो मन मोटा था, अब मकान बड़ा है तो मन छोटा हो गया। पहले इतने मेहमान आते थे, मेहमानों को देख के तो तुमने घर बनवाया बड़ा, कि अपने यहाँ एक गेस्ट रूम, यहाँ मेहमान लोग सब ठहरेंगे करेंगे, पर जब से रूम बड़ा मन छोटा हो गया तो मेहमान भी अब नहीं आते, पहले आते थे खूब। अतिथि देवो बाबा, कोई भी आया सम्मान आदर सत्कार इतना होता था, हर बार पूछा जाता था, एक जने की चाय बनती थी सबको पिलाई जाती थी, बार बार पूछते थे काका जी ले आऊं कुछ, काकी जी ले आऊं, बुआ जी चाची जी नानी जी क्या लाऊं बोलो, क्योंकि वही कमरा वही रसोई घर वही बने वही की वही खिला दे गरम की गरम। और अब बस इंतजार है, अब कोई मेहमान भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ कथा कर रही है वसुदेव आनंद है, सुख सुख किस चीज में मिल सकता है, आनंद किस में महाराज। लड़का की शादी नहीं हुई तब सुखी थे कि बहू आ गई तब सुखी हुए, बोलो ईमानदारी से। बेटा कुंवारा था तब सुखी थे कि शादी के बाद? अब जितने बहू बेटा वाले बैठे होंगे तो वो तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या बोले सत्य बताना। और हम तो बहू हैं और बेटे भी बैठे हैं, वो उनसे भी निवेदन है, हम माताओं से भी कहेंगे, तुम जब तक सुखी हो जब तक तुम्हारी गोदी में बहू हो लाला नहीं आया, अभी खूब अपने जीवन को आप घूमो फिरो आनंद करो, रोटी खाओ भजन करो कीर्तन करो स्मरण करो चित्त चिदानंद वृत्ति धरो, जब लड्डू गोपाल गोदी में आ जावेंगे
तब आधे से ज्यादा समय तो गोपाला में लगा रहेगा, भजन चित्त कहां हो पाएगा। सुख कब है? बच्चे छोटे रहते हैं तब तक माता पिता तो भी सुखी रहते हैं, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं माता पिता का सुख चैन धीरे, उनकी सोच सोच में क्या करूं, किसको अब शादी करना है, फिर बहू अच्छी आ जाए भगवान, और बहू भी ऐसी कहीं कि जगदम्बा आ गई तो हो गया, बहू अच्छी आ जाए फिर भगवान, अब बहू के एक छोरा छोरी हो जाए प्रभु, पोता आ जाए और भगवान ने पोता भी दे दिया, तो पोता होने के बाद ईमानदारी से बोलो बहू ज्यादा सुखी हुई कि दादी ज्यादा सुखी हुई? कोई नहीं सुखी हुई, सबसे ज्यादा सुखी हुई बहू, छोरा छोरी पैदा हुए सबसे ज्यादा संभाले दादा दादी बेचारे डोकरा डोकरी, और बहुएं सब अपने कमरे में आनंद से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ऐसी सोए और डोकरी छोरा छोरी को खिला। अच्छा अच्छा सुखी का है। और दोपहर के समय में अगर बच्चा बच्ची मम्मी के पास चले जाए, इतने में दादी कहते चल अपनी माँ के पास चल, चल, और बच्चा रोते रोते मम्मी के पास चले जाए, फिर मम्मी का मुंह देखो तू आज के बाद दादी के पास जाने का नहीं, ले अब बेचारी इतने दिन से रखी तो गति नहीं, और एक दिन माँ ने भगा दिया, दूसरे दिन कहती अब मत जा। बिल्कुल भाई शास्त्र कह रहे सुख कहाँ है? देवकी निष्काम भक्ति है, वसुदेव आनंद है, और आनंद कहाँ मिलेगा? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। देवकी निष्कामता है, वसुदेव आनंद है, यशोदा यश ददाती इति यशोदा, और साधारण नहीं है यशोदा। तीनों बहनों में यशोदा जी कितनी बहन थी? तीन। तीन बहन में यशोदा सबसे बड़ी थी, पर यशोदा जी की यही औलाद नहीं थी, औलाद नहीं थी यशोदा की। यहां कितने साल की हो गई थी? 55। कितने? 55। 60 साल के नंद बाबा थे, यशोदा 55 साल की थी। महाराज संतान बड़ी दुखी, और यशोदा जी की मां, यशोदा जी की माता जी जिनका नाम था पाटला देवी, क्या नाम था? पाटला देवी, यमुना जी का नित्य पति स्तवन करती थी, यमुना जी के घाट पर जाती, यमुना जी को दीपदान करती, यमुना जी की पूजन करती, नित्य प्रति यमुना जी के दरवाजे पर जाती, यमुना जी की पूजन करती, पाठ करती, स्मरण करती, यमुना जी की पूजन करती रोज नियम से। एक दिन यमुना जी का स्नान करके यमुना जी को दीप दान कर रही थी, दीप दान। दीप दान का बड़ा महत्व है महाराज, बहुत महत्व। ये माताएं हमने देखा यहां पर भी दीप दान करती है, कांसे का दिया लाई है, तांबा पीतल कांसा चांदी काय का जो भी दिया लाई है वो दिया जला के आरती के बाद उसको दान करती है। बस दीप दान का एक ही नियम है कि एक बार जिस दिए को दान दे दिया जाता है जलाकर अगर दे दिया तो उस दिए में दूसरी बार बत्ती लगाकर दान नहीं कर सकते, अगर दीप दान का नियम। इसलिए इस दीप दान को लोग ज्यादातर कहां करते हैं? बहते हुए पानी में, कि एक बार हमने दिया जलाकर छोड़ दिया तो हमारे हाथ में नहीं आया, गया तो गया, फिर वो दूसरी बार हमारे सेवा के क्रम में नहीं आया। दीप दान का महत्व है वो चला है। अब दीप दान करा, दिया की पूजन करी, और दीप दान का एक नियम है माताओं, आप लोग करती जरूर हो आरती का दिया, परंतु प्रयास करा करो अगर आप तांबे का पीतल का चांदी का कांसे का जो भी दिया दान कर रही हो जला के, उस दिए में थोड़ा सा कुंकू और 2 दाने चावल के अवश्य डाला करो, जो दीप दान करना है वो दिया, आरती करना हो तो वैसे ही आपकी मर्जी आप करो, पर दान करने वाले दिए में चावल और कुंकू लगा होना चाहिए, जरूरी होता है, क्योंकि अक्षत इसलिए डाला जाता है कि वो अक्षत के भाव से मतलब अक्षय हो जाए, वो हमेशा परमानेंट हो जाए, आपका दान प्रखर हो जाए मतलब पक्का,
वो कल कहा था ना कि तिलक लगा दिया तो मतलब वो पक्का हो गया, उसी तरह कुंकू और चावल लगा देने से जिस दीप को आपने दान किया वो पक्का हो गया आपके भाग्य के अनुसार कि आपने इस दीप दान जगन्नाथपुरी में किया है, जगदीश में आपने दिया। दीप दान की मूलता। अब माता यशोदा जी की जो मां थी पाटला देवी, पाटला देवी ने यमुना जी का स्तवन कर यमुना जी का पूजन कर यमुना जी का स्मरण करा और यमुना जी के पूजन कर यमुना जी से विनती करी, मां मेरी बेटी के घर में संतान हो जाए, उसकी औलाद नहीं है, मां कृपा कर, आप कृपा। यमुना जी ने आकर दर्शन दिया और यमुना जी ने दर्शन देकर कहा, सुनो पाटला, अगर तुम्हारी बेटी यशोदा पूर्णिमा के दिन, श्रावणी पूर्णिमा के दिन अगर ब्राह्मणों को भोजन कराती है और खीर और मालपुआ अगर जिमाती है तो उसके घर में संतान हो जाएगी। यशोदा जी की यहां पाती गई, खीर मालपुआ बनवाया, श्रावण की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों का भोजन कराया, तब नंद बाबा भोजन परोसने निकले, उसके बाद खीर की बाल्टी लेकर यशोदा जी निकल गई, खीर की बाल्टी लेकर। और जैसे माताएं आप लोग ये बोर नथनी और ये झामर झुमका सब पहनकर बैठे हो ना, आई ऐसे ही यशोदा मैया ने हाथ में भर भर चूड़ा, कमर करधनी, सिर पर बोर, नाक में नथनी और बड़े बड़े झाले झुमके और इतना पल्लू यशोदा मैया ने रख लिया, कितना पल्लू, इतना, और पल्लू रखकर यशोदा जी भोजन परोसने के लिए चली। तो इतने में ब्राह्मण आपस में बात कर रहे थे भोजन करते करते कि ये नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, मुझे लगता है ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी है, ये नंद बाबा के छोरे की पत्नी है, इतना जेवर पहनी है, इतना आभूषण पहनी है, लहंगा झामर झुमका सब पहनी हुई है। तो सारे ब्राह्मणों ने देखा इनके छोरे की बहू है परंतु इनके घर में कोई औलाद नहीं दिख रही। सारे ब्राह्मणों ने भोजन करते करते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। क्या बोले? पुत्र भव। अब जैसे ही बोले पुत्र भव, इतने में यशोदा जी ने पल्लू हटाया, पल्लू हटाया तो बाबाओं ने एक दूसरे को कोनी मार के कहा, इसका भी बाल सफेद है, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा बोले, बाबाओं आप आशीर्वाद दे रहे हो पुत्र होने का, मैं 60 का, मेरी पत्नी 55 की औलाद कहां से होगी। संत कहते हैं हमने आशीर्वाद दिया है खीर मालपुआ खाते समय, ब्राह्मण अगर भोजन करते करते आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद फलता है, हमने आपको आशीर्वाद दिया है पुत्र होने का, अब तो वो पुत्र कहीं से भी आएगा पर तुम्हारे घर औलाद जरूर आए, वो तो आशीर्वाद तो फले। और देखो चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा, हुई थी लड़की हो गया। अब महाराज तुम्हारे आए गजर और हुआ वही, देवकी मैया के गर्भ से जन्मे भगवान पहुंचे किसके यहां, यशोदा। और एक दिन यशोदा जी की मां ने निवेदन करा, अरे बेटी मेरा नवासा हो गया है, नाती हो गया है, एक बार दर्शन तो करा दे। यशोदा जी उसको दर्शन कराने के लिए निकली, आपके यहां भी निकलते होंगे भगवान, साल में एक बार निकलते हैं जल झूलनी एकादशी के दिन, यहां निकलते हैं आपके हैदराबाद में नहीं निकलते, डोल एकादशी, डोल में भगवान बाहर निकलते, जन्माष्टमी के बाद में आती है डोला एकादशी, जल झूलनी एकादशी, उस दिन भगवान डोल में बाहर निकलते हैं, क्योंकि यशोदा जी अपनी मां पाटला देवी के घर में भगवान को लेकर गई थी दिखाने के लिए। जैसे ही पाटला देवी की यहां पहुंची और पाटला देवी की यहां पहुंचते से आवाज लगाई, मां मां, और कन्हैया को गोदी में ली हुई है, ऊपर से पल्लू डला हुआ है, कन्हैया का चेहरा नहीं दिख रहा है, बस केवल पल्लू डला हुआ है और गोदी में लेके, मां मां को आवाज लगी, मेरी बेटी आई है, पहली बार इतने समय के बाद तो संतान हुई, और बेटी की छोरे की नजर उतारने के लिए, पूजन करने के लिए, जब बेटी लड़के को लेकर आती है तो मां उसका पूजन करती है, पानी उतारती,
आती है तो सब लेकर आई पाटला देवी। पाटला देवी आई तो पाटला देवी ने कहा ले लाला का दर्शन करा दे। जब जो दर्शन कराने की बात आई जैसे ही मुंह दिखाया दिखाते से पाटला देवी ने तो थाली को रख दिया नीचे और पहले पूछी ये बता ये किसकी औलाद है। यशोदा जी बोली मां ये मेरा पुत्र। पाटला देवी बोली तू गोरी नंद बाबा गोरे ये कोयले की खदान कहां से आई ये कहां से। अरे मां ये मेरा पुत्र है तुझे क्या बताऊं रात को 12 बजे जन्म लिया ना इसलिए इसको अंधेरा चिपक गया। इसको अंधेरा चिपक गया। अरे यशोदा जी की मां पाटला देवी बोली बेटा अंधेरा काहे को चिपका आधी रात को चांद भी तो निकला होगा वो चिपक जाता। फिर यशोदा जी बोली मां मेरे स्तनों में जब दूध नहीं आया 55 वर्ष की आयु में तो गाय का दूध पिलाया जिस गाय का दूध पिया वो भी काली थी इसलिए काला हो गया। इसलिए भाई कितना सुंदर वर्णन करा जरा इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला जरा इतना बता दे काना कि तेरा रंग काला क्यों काला हो कर भी जग से काला हो कर भी जग से इतना निराला जरा बता दे काला कि तेरा रंग काला Thank you.
जगाती है और नैनों में मुझको बसाती है और नैनों में मुझको बसाती है। कचरे का रंग भी काला कचरे का रंग भी काला नैनों का रंग भी काला मेरे का रंग भी काला इसलिए मैं काला हो जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला जरा इतना बता दे काला कि तेरा रंग काला देवी बोली है यशोदा ये ऐसा मैया क्या बताऊं। पाटला देवी ने तो लाला को गोदी में लिया और लेके पाटला देवी नानी तो नानी। अच्छा ईमानदारी से बोलो माँ सबसे ज्यादा लड़की के लड़के को ज्यादा मालिश करती है कि बेटी के बेटे की ज्यादा मालिश करती है लड़के के लड़के का कि बहू के कि बेटी के बेटे क्योंकि बेटे के बेटे की जब मालिश करती है ना तो बहू वही छाती पे खड़ी रहती मम्मी जरा धीरे तो सास को गुस्सा आ जाता हमने तो औलाद पैदा ही नहीं करी तू कर ले तू धर ले। और जैसे ही लड़की के लड़के की जब मालिश करती है ना तो माँ को लड़की को मालूम है ये मेरे माँ है जब मुझे पाल पोस कर बड़े कर सकती है तो ये कर सकती। अब यशोदा जी ने तो पांव लंबा करा और लहंगा करा ऊंचा और लिया तेल और जो घिसने पड़ी है जो घिसने पड़ी भगवान भी मन में सोचे मैया नीचे से ऊपर तलक काला तेरे तेल से कुछ नहीं होने क्या इस तेल से होगा क्या मैं तो पहले से काला हूं। तो ये शास्त्र कह रहा है महाराज भगवान की मनोहर लीला कह रही है देव की निष्काम भक्ति है वसुदेव आनंद है यशोदा यश दनाती इति यशोदा और नंद बाबा सदानंदी सदानंदी नंद बाबा कोई अभिलाषा नहीं जो कुछ है वो सब श्रेष्ठ सब सृष्टि और उसमें कोई दिखावे वाला बात नहीं है भगवान नंद बाबा के यहां क्योंकि नंद बाबा तो सदानंदी के भावों से रहते क्या नाम है नंद बाबा जी का भगवान कृष्ण जिनके घर में पहुंचे हैं नंदराज जी का नाम क्या है जल्दी बोलो भगवान कृष्ण जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचे नंद का मतलब क्या होता है नंद बाबा का मतलब क्या है एक होते हैं नंद ब्रजभानु एक होते हैं नंद राय फिर उपनंद फिर ग्वाल ये सब एक सीढ़ी है सबसे पहले ब्रजभानु जिसके यहाँ 20 लाख गाय से ऊपर गाय हो वो कौन है जम के बोलिए ब्रजभानु क्या नाम है वो 20 लाख से नीचे 10 लाख से ऊपर जिनकी गाय रहती है 10 से 20 के अंदर उनको कहते हैं नंद क्या कहते हैं नंद 10 लाख गाय से लेकर 5 लाख गाय तक जिसकी रहती है उसको कहते हैं उपनंद और 5 लाख गाय से लेकर नीचे 3 लाख गाय तक जिसकी रहती है उसको कहते हैं गोप और 3 लाख गाय से नीचे जिसकी यहां गाय रहती है उसको कहते हैं ग्वाल ठीक है
तो तुम ये नहीं समझना अपने को कि भाई नंद बाबा ब्रजभानु जी का नाम क्या था, राधा जी के पिताजी का नाम कहां रहती थी राधा, जम के बोलियो, जम के बोलो, नहीं राधा रेती कहां थी, बरसाना में तो ब्रजभानु जी की कचेरी थी जहां पर राधा वर्ष में एक बार जाती थी होली खेलने के लिए, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना, उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना, उसका नाम बरसाना, ये वर्ष में राधा एक बार जाती थी इसलिए उसका नाम बरसाना पड़ गया। राधा रहती कहां थी, ग्राम रावल, कौन से गांव में रहती थी, रावल गांव, राधा जी वहां की रहने वाली थी, रावल गांव। तो ब्रजभानु 20 लाख गाय के मालिक नंदराय जी महाराज, भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा, जो कि नित्य प्रति भगवत भजन में डूबने वाले, जो आनंद सुख में स्थापित रहने वाले, जिनके पास में केवल आनंद ही आनंद हो, और नंदराय जी भी कोई साधारण नहीं थे, पांच नंद, अभिनंद, उपनंद, सदानंद, ऐसे पांच नंद थे, जैसे ब्रजभानु चार, उसमें भी नंद बाबा का भगवत तत्व को धारण करना, यमुना जी का स्नान करना, शालिग्राम जी की पूजन करना, ये नंद बाबा का प्रतिदिन का नियम था, प्रतिदिन का नियम। और नंदराय जी प्रतिदिन भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, उनको कोई से मतलब नहीं, केवल भगवत तत्व से मतलब था। भादो का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रात्रि के कितने बजे, 12 बजे वसुदेव जी जब कन्हैया को लेकर चले, काय में सुलाकर, डलिया नहीं, वो सुपड़ा, क्या बोलते हैं उसको, सुपड़ा, छालड़ा, सुपड़ा, डलिया में अगर बच्चे को सुलाते तो मुंह ऊपर रहता, पानी बहुत तेज गिर रहा था। वसुदेव जी को ये नहीं मालूम कि ये भगवान है, वसुदेव जी के तो पुत्र हैं, और बेटा भले वो कलेक्टर की गाड़ी पर बैठ जाए, बेटा भले वो एसपी डीएसपी बन जाए, बेटा भले सीएम और पीएम बन जाए, पर माँ बाप की निगाह में वो छोटा ही रहता है, वो माँ बाप, वसुदेव जी की दृष्टि में कृष्ण भगवान नहीं है, बेटा है। उनको लगा अगर डलिया में बच्चे को सुलाऊंगा ऊपर से पानी गिरेगा, उसके मुंह में चले जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, इसलिए सामने सुपड़ा पड़ा था, सुपड़े को एक कोने में सिर, जहां से फटकन देते वहां पांव, लाला का सुपड़ा ऐसा हो गया, भगवान को लेकर चल दिए। यमुना जी अपार चढ़ी तब कन्हैया को ऊपर लिया, सुपड़े में लेकर तब ऊपर लिया। अब ये जो सुपड़ा है, ये और एक वो रई और एक वो मूसल, शादी ब्याह में बहुत काम कर देता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, लड़का जब ब्याहने जाता है ना शादी करने के लिए, तो दो जगह पे इसका काम आता है, एक जगह लड़के की माँ जब लड़के को भेजती है बारात लेके, तब उसके पहले ऐसा उतारा उतारा करती है कुछ पल्लू से, और एक बार जब वो लड़का वहां पहुंचता है तो लड़की की माँ विदा करती है ना जब, तब वो उस समय पे घोड़ी पे जब दूल्हा आता है तभी भी करती है, बहुत काम है। हमारे वो अजमल घरा उतार में जो रामसा पीर ने जन्म लिया था, तो जब वो बिहाने गए थे तो उन्होंने पूछा था अपनी भाभी से कि इसका मतलब क्या है, तो भाभी बोली थी कि तुम हमारे बनकर रहो इसलिए ये भाव से उतारा जाता है, लोग उसको प्रेम से गाते हैं कि थाने तो ध्यावे आको मारवाड़ हो, खम्मा खम्मा हमारा रूणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हमारा रूणी चेरा धनिया, थाने तो ध्यावे आको मारवाड़ हो, आको तो
मेरा तवेरा कम्मा कम्मा ओ मारा रूणी चेरा धुनिया जोड़ेरी गुजरो चमको है सितारो जोड़ेरी गुजरो हलनिया में झूलन आयो आयो पालन हारो वसुदेव जी ले जा रहे सू पड़े और एक और सिर रखने का है दूसरी ओर पांव नीचे की ओर है ले जा रहे यमुना जी अपार चढ़ी अपार चढ़ रही है मां काहे के लिए चढ़ी यमुना जी भगवान का चरण छूने कोई पक्का है ठीक है तो चरण छूने के चक्कर में इतना भूल गई यमुना जी ये भगवान की पटरानी है यमुना पत्नी पटरानी होकर इतना भूल गई कि जो लेकर जा रहे हैं वो उनके ससुर हैं और इतना भी ध्यान नहीं रहा पति के पांव पड़ने के चक्कर में कि ससुर के माथे पर चढ़ गई अब ससुर के माथे पर चढ़ी तब जाकर भगवान ने चरण नीचे दिया तब यमुना को लगा कि मुझसे गलती हो गई इसलिए मेरे पति ने चरण दिखाया है एक गलती मुझसे हो गई मैं अपने ससुर के माथे चढ़ गई बहू सास ससुर के चरणों में रहे सास ससुर के माथे चढ़े तो पति का फर्ज है कि थोड़ा सा पांव दिखा दे जरूरी है आज अगर
माता पिता के माथे चढ़ी है तो ये पक्का है कि वो कल तेरे भी माथे चढ़ सकते। यमुना जी अगर वसुदेव जी के मस्तक पर चढ़ी है, थोड़ी और अगर भगवान चरण नहीं दिखाते तो यमुना सुपड़े पर ऊपर चढ़ जाते। इसलिए भगवान ने चरण दिखाया कि मर्यादा में रहिए, आप हमारी धर्म पत्नी है, पटरानी हो। सोलह हजार एक सौ आठ रानियों में केवल एक यमुना जी थी जो पृथ्वी पर थी, बाकी की सब तो चली गई। केवल एक पटरानी यमुना, बाकी की सब तो चली गई। और यमुना मैया को नीचे रखने का कारण भी केवल इतना था क्योंकि ठाकुर की आत्मीय प्रेमता पटरानी यमुना जी से बहुत थी, और बहुत ज्ञानी थी यमुना जी। कालंदी जी बहुत ज्ञानी, उनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं। नमामि यमुना मम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंद मंडल उत्कंठ तटस्थ नव कानना प्रगट मोद पुष्पांगुना सुर सुर पूजित स्मृतम श्री विभ। प्रखर यमुना, प्रबल यमुना, जब गोवर्धन पर्वत के पास में, क्योंकि भगवान कृष्ण जब गए तो उनके साथ में 16,108 रानियां नहीं गई, पूरा यादव कुल पूरे द्वारका में रहने वाले भगवान के साथ चले गए, भगवान के प्रथम में चले गए, पर 16,108 रानियां नहीं गई, नहीं गई। आखिरी में पूछ लिया उद्धव जी ने, इनका क्या होगा? भगवान कहते हैं अर्जुन तुम इनको लेकर जाना, उद्धव तुम इन्हें भागवत सुनाना। भगवान अपने हृदय से भागवत को प्रकट कर दिए और उद्धव से कहा, उद्धव ये भागवत मैंने प्रकट करिए खास तौर से इन 16,108 रानियों के लिए, क्योंकि ये रानियां मेरे साथ में नहीं जा सकती, क्योंकि कोई रानी को काया का अहंकार था तो किसी को माया का अहंकार था, किसी को धन का अहंकार था तो किसी को सत्ता का अहंकार था, जो अहंकार में समाहित हो गया वो मेरे साथ नहीं जा सकता। इन द्वारकापुर वासियों को किसी चीज का अहंकार नहीं था, इनको एक बात का अहंकार था कि हमारा कृष्ण हमारे साथ में है, इसलिए इनको पहले भेज दिया। ये 16,108 ये जाने वाली नहीं है, इसलिए एक निवेदन है, एक बार इनको भागवत सुनाओ। 16,108 रानियों को उद्धव जी महाराज ने ब्रज में ले जाकर, ब्रज 84 कोस की उस पावन भूमि पर जहां गोवर्धन पर्वत विराज रहा था, उस पर्वत के परिक्रमा मार्ग में कुसुम सरोवर के पास में जहां पर भगवान कृष्ण ने राधा जी की चोटी गुथी थी, उस स्थान पर कुसुम सरोवर के पास में उद्धव जी ने 16,108 रानियों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। रानियां सुन सुनकर नेत्रों से नीर बहा रही थी। आज भी ब्रज में गोवर्धन परिक्रमा के पास में उद्धव मंदिर है, जहां के पत्थर पर पानी के बहने के निशान हैं, जहां की भूमि आज भी गीली रहती है, वहां की भूमि आज भी गीली रहती है, उस मंदिर की भूमि आज भी, वहां का पत्थर आप हाथ लगाएंगे गीला मिलेगा, जहां पर भगवान ने रानियों को कथा सुनी और रानियां कथा सुनकर परम धाम को जाने लगी, यमुना जी भी जाने लगी। इतने में उद्धव जी ने हाथ जोड़ लिए यमुना जी से, पटरानी जी आपसे विनती है सबको जाने दो पर आप भूमंडल पर रह जाओ, क्यों? आप रहोगी तो इस जगत का उद्धार करती रहोगी, इसलिए यमुना जी पृथ्वी पर रहे, वो नहीं गई, पटरानी जी हैं, बाकी की सब चली गई, कथा सुनकर गई, बिगर कथा सुन। उद्धव जी ने दो जगह पर कथा सुनाई, एक जगह गोवर्धन पर्वत पर, एक जगह जब बद्रिकाश्रम जा रहे थे तो उद्धव शिला के पास अलकनंदा नदी आकर खड़ी हो गई। अलकनंदा ने कहा, उद्धव जी हमको कथा कह दो, भागवत जी सुना दो। उद्धव जी कहते हैं, अलकनंदा हम तुम्हें कथा तो कह देंगे पर दिक्कत इतनी सी है, इस कथा को कहना
कहने को तो हम चालू कर दें, पर यहाँ अलखनंदा तू इतनी शोर करती है, तू इतनी तेज तेज कलकल करके बहती है, तेरा पानी इतनी आवाज करता है कि तुझे कथा कैसे सुनाऊं। अलखनंदा कहती है, उद्धव जी तुम कथा तो कहो, मैं मौन हो जाऊंगी। आज भी बद्रिकाश्रम जाते समय बीच में उद्धव शिला के पास में अलखनंदा नदी एकदम चुप हो जाती है, जहां पर उद्धव जी ने अलखनंदा को कथा श्रवण कराई। द्वारका से चालू हुई यह कथा निरंतर बहती 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 बहती, उद्धव जी उसको लेकर चले और बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी के पास में पहुंची है। देखो जहां से चालू हुई वहीं पहुंच गई। वेद व्यास जी ने बद्रीनाथ में लिखा था इसको, कहां लिखा था? बद्रीनाथ। वेद व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में बैठकर लिखा, भगवान ने इसको प्रकट करा अपने हृदय से द्वारका में प्रभास क्षेत्र में प्रकट किया, और प्रकट कर कर इसको कहां भेजा वापिस? बद्रीनाथ। कहां रखी है? बद्री विशाल का जो मंदिर है बद्रीनाथ जी का, बद्रीनाथ जी के पास में जहां नारद जी इधर बैठे हैं, इस हाथ में जहां पर कुबेर बैठा है, कुबेर की गोदी में श्रीमद् भागवत पोथी रखी हुई है भगवान। इसलिए आज भी भागवत की पोथी को सिक्कों पर रखा जाता है। कार पर रखते हैं? सिक्का पर। ये एक रुपया का क्वाइन हो, सिक्का हो, चांदी का सिक्का हो, कई लोग भोजपत्र पर रखवाते हैं, कई लोग पुष्प पे रखवा देते हैं, उसको सिक्के पर रखा जाता है कुबेर, क्योंकि जितने दिन भागवत विराजमान रही वो कुबेर की गोद में बैठी रही। तो बद्रिकाश्रम से कुबेर जी महाराज आकर इस भागवत को अपनी गोद में विराजमान कर इस भाव से सिक्के को रखा जाता है। 7 दिन पूरी होने के बाद वो सिक्के को यजमान को दे दिया जाता है, क्योंकि कुबेर का उसमें वासा हो जाता है, तो इसको लेकर जाओ, ये तुम्हारे जीवन की पूंजी है, यजमान को प्रदान कर दो। भागवत तत्व का सुख, इसलिए हमने यजमान से पूछा था भागवत रखने से पहले, तुम सिक्का लाए हो क्या चांदी बांधी का? तो कहने लगा, गुरु जी भूल गया, हम भूल गए। फिर हमने सादे सिक्के पर भागवत महारानी को, क्योंकि हम द्वारका में रखी थी तो आसावा परिवार उस मुख्य यजमान था, तो वो सब लेके आए थे, उनके सब वही चांदी के सिक्कों पर उसको रखा दे दिया। भाव बढ़नी तुम्हारा, वहां से चालू हुई वहां पहुंची है, और बद्रिकाश्रम में ले जाकर कुबेर जी की गोद में श्रीमद् भागवत पोथी को विराजमान किया। भागवत पोथी और ये चप्पल बाजार हैदराबाद की जो ग्रुप है संगठन, ये भी तो वहीं से चालू हुआ है। होते होते जगन्नाथ आ गया, जगन्नाथ से धीरे धीरे खसकता हुआ, जब बाबा बुलाएगा बद्रीनाथ दादा वहां पहुंच जाए। ये कृपा उसकी करुणा बिना नहीं महाराज। यमुना जी आप नहीं जाओ, पटरानी जी आप नहीं जाओ। यमुना जी बोली क्यों? यमुना जी बोली मैं क्यों नहीं जाऊं? उद्धव जी कहते हैं, महारानी जी 16108 रानियों में सबको जाने दो, पर आप रुक जाइए, क्यों? भूमंडल पर, पृथ्वी पर आपका रहना जरूरी है, आपके होने से जगत का कल्याण है महारानी जी। यमुना जी रुक गई, महाराज वसुदेव जी लेकर चले सुलाया माता यशोदा के पास में, और कन्या को उठाकर ले गए। कंस को सूचना मिली, आकाशवाणी की वो सूचना फिर प्राप्त हो गई, अरे तू जिसको मार रहा है, तेर को मारने वाला तो जन्म ले चुका है। वो कन्या हाथ से छूट गई, अष्टभुजा धात्री भवानी दुर्गा बनकर चली गई। महाराज सूचना योग माया, जिसको एक बार माता यशोदा जी ने बुलाया था और माता यशोदा जी ने कहा कृष्ण एक कन्हैया, कृष्ण बोले हाँ मां बोल, कन्हैया तू जब प्रकट हुआ तो तेरी बुआ कहती है कि तेरी जगह पर कोई कन्या ने जन्म लिया था, तेरी वो बहन कहाँ है, उस बहन को मुझे देखना। हमारा कृष्ण कितना चतुर होगा, देवकी मैया ने भी अपनी औलाद को मांगा, आपने कथा में सुना होगा, जो मरे हुए पुत्र उनको एक बार मेरे को लाकर दिखा दे, जीवित कर दिखा दे। कृष्ण गए और मरे हुए पुत्रों को लाकर माता देवकी के सम्मुख में प्रकट करा,
एक बार गुरु के पुत्रों को भी प्रकट करा ऐसे भगवान कृष्ण। और आज माता यशोदा कह रही है कि जिस कन्या को कंस ने उठाकर मारा था, जिस कन्या को फेंक कर आए थे और वो कन्या ना जाने कहां चली गई, वो कन्या का दर्शन जो मेरे सम्मुख में प्रकट हुई थी और बाद में तो पुत्र हुआ, मेरे को अभी तक वो लीला समझ में नहीं आई। माँ कहती है मैं जान नहीं पाई, मेरी वो कन्या का दर्शन करा दे। तब रक्षाबंधन का दिन था जिस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम यशोदा जी ने एकानंगा रखा था। क्या नाम रखा था? एकानंगा। इसलिए भगवान की तीन बहन एकानंगा, सुभद्रा और द्रौपदी, तीनों का प्रमाण। क्या नाम रखा? एकानंगा। यशोदा जी ने उसको देखा, देखकर प्रसन्न चित्त भाव जागे प्रसन्न आज। सुनंदा जी आई हुई है, नंद बाबा की बहन, दो बहन थी नंदा और सुनंदा। सुनंदा बड़ी थी, नंदा छोटी थी। सुनंदा जी ने नंदा से कहा तू चल रही है क्या? नंदा बोली जी जी तेरे तो बच्चों की शादी ब्याह सब हो गए, तू तो फ्री हो गई, मेरे तो इतना काम पड़ा हुआ है छोरा छोरी का, एक काम कर भाभी को जापा हो रहा है तू चली जाओ, तू बड़ी है तो संभाल लेगी। ये बड़ी जो होती है ना बेचारी इसी काम की होती है। जो बड़ी होते वो यही काम। ये बेचारे जो संगठन वाले होते हैं ना, ये बैठे सब सब की सब, ये तुमको खिलाकर प्रसन्न हो जाते आनंद। तुम खाओ मालपुआ, तुम खाओ कड़ी, तुम खाओ चावल, तुम खाओ रोटी पूड़ी जो भी हो, सब तुम्हें खिलाकर प्रसन्न है। बाद में इनको मिल रहा है नहीं मिल रहा ये इनके ऊपर, पर तुम्हें पवाकर, तुम्हें प्रसन्न चित्त देकर, तुम्हें प्रसन्नता का भाव देकर वो आनंदित हो जाते हैं कि सर्वे भवन्तु तुम सुखी। अब सुनंदा जी से कहा कि तुम जाइए, सुनंदा जी पहुंच गई और सुनंदा जी पहुंची। रात्रि का समय था, आधी रात का समय, और वसुदेव जी ने जब लाला को सुलाया था और सुनंदा जी हाथ जोड़ती जोड़ती गई, मैंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी है, हे प्रभु हे मेरे इंद्र देव कृपा करना, मेरी भाभी को एक तो बुढ़ापे में तो औलाद हो रही है, तुम कृपा करना कि मेरी भाभी को छोरा हुआ। क्यों? छोरी हो जाएगी तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी, अगर लड़का हो गया तो बूढ़े माँ बाप को संभाल लेगा भगवान, छोरा हुआ हो। दर्शन करती करती चली चली, और जो जाकर देखा, जो पहुंची और दर्शन जो करा, कूद पड़ी बधाई हो नंद बाबा के पास जाके जो चिल्लाई, तो नंद बाबा तो तुरंत खटिया से नीचे टपक गए। तुरंत नंद बाबा ने पूछा काहे चिल्ला रही, हुआ कहती रात को भाभी के छोरा हुआ है बधाई लाला भयो। सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है घर की बहन बेटी को जब भैया के यहाँ छोरा छोरी होता है, क्योंकि वो भी भगवान से प्रार्थना करती रहती है मैं कब बुआ बनूं, कब बुआ बनूं, कब बुआ बनूं। अच्छा इनको लालच कुछ नहीं होता, पति इनको हजार हजार की साड़ी पहनाता है ना, ये किसी को नहीं बताती, पर मायके से 500 की भी मिलेगी ना तो पूरे मोहल्ले को दिखा देगी मेरे भाई ने, मेरे भाई ने। तुरंत इतना प्रेम इतनी करुणा मायके से होती है। और कब तक बेटियां मायके आती है? जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक, और जिस दिन माता पिता नहीं रहते बेटियां भी मायका आना, उनका प्रेम उनकी करुणा उनकी वात्सल्यता तब तक प्रसन्न, चारों तरफ आनंद। जो आनंद कि छिम छिम बरसे अमृत धारा,
लिया काना ने अवतार, गोकुल नगरी में छाई है खुशियां अपार। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया काना ने अवतार, गोकुल नगरी में छाई है खुशियां अपार। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया काना ने अवतार, गोकुल नगरी में छाई है खुशियां अपार। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया काना ने अवतार, गोकुल नगरी में छाई है खुशियां अपार। हवा रात की ठंडी, गोकुल नगरी
गोकुल नगरी में बधाइयां बज रही हैं, जहां तहां सुख सुख आनंदित हो रहा है, चारों तरफ मंगल साज सज रहे हैं महाराज, खूब बधाइयां लुटाई, खूब लुटाई, खूब बधाई। मालूम पड़ा ब्रजरज में समय आया, कंस को सूचना मिल गई, नंद महोत्सव में तो आनंद की बधाइयों के गीत गज रहे हैं, खूब बधाइयां लुटाई जा रही है, खूब आनंद हो रहा, सभी ने गाया नंद घर, किसी ने नहीं बोला कि नंद के घर छोरा है, नंद बाबा के यहां लड़का हुआ, कोई नहीं बोला, सब एक ही बात बोले नंद घर आनंद भयो, क्योंकि जो जगत का आनंद कंद परमात्मा है वो आज प्रकट हुआ है, आज प्रकट हुआ है, नंद महल में आनंद की लहर है। बूढ़े नंद बाबा ने शादी वाले कपड़े निकाल के पहने, शादी वाले कल देख रहे थे आप नंद बाबा को, है देखा था कि नहीं देखा यार? हाँ। कलो राज में अंतर दिख रहा है तुम्हें राधे, झामर झुमका यशोदा जी भी खूब जोरदार वेश वेश, और नंद बाबा भी खूब तिलक पगड़ी और जामा और दुपट्टा, ये सब शादी वाले कपड़े निकाल के पहन लिए, विवाह वाले नंद बाबा ने विवाह वाले वस्त्र निकाल कर, बहुत समय के बाद ऐसी खुशियां हमारे भीतर आई है, खुशी कहां प्रगटे हैं भगवान कृष्ण, कारागार में जन्म लिया, पहुंच गए नंद बाबा के महल में, नंद राय जी के महल में पहुंचकर सुख का अनुभव किया, और समय आया कंस को मालूम पड़ा छूट गए, क्रोध आया कंस को, पूतना को बुलाया, पूतना तू जा सारे ब्रज के बच्चों को मार कर आ जा, और अभी जो भेजा जा रहा था वो पूतना ही, पूतना नाम से पहचान जाओ, जो घर में पूत ना रहने दे उसका नाम है पूत, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती विष पिलाती 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 सुंदर रूप रखकर यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंची, और यशोदा महारानी अंदर काम कर रही थी, लाला को गोदी में ली हुई थी, इतने में पूतना आ गई, यशोदा ओ यशोदा, यशोदा जी को आवाज आई, हाँ जी कौन, यशोदा जी मैं बधाई लेने आई हूं, जब लाला भयो थो मैं बधाई लेने नहीं आ सकता, इसलिए अभी मैं बधाई लेने आई, यशोदा जी ने गोदी में लाला था पूतना की गोद में दे दिया, ये ले तो इसको संभाल बहन, मैं अभी तेरे लिए बधाई लेकर आती हूँ। कन्हैया जी ने सुन लिया कि यशोदा जी की बहन है मेरी मासी, उनको क्या मालूम कि गले की फांसी, ऐसी मासी वो किसका, ठीक है, पूतना ने लाला को गोदी में लिया, दरवाजे के बाहर ले गई, ओटली पर बैठ गई, घर के बाहर एक ओटला होता पहले उसको कहते थे ओटली, जिस पर पूतना बैठी थी, इसलिए हिंदू धर्म कहता है कभी भी अपने घर के बाहर ओटले पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस पर पूतना बैठी थी, ओटली, और ओटली पर पूतना बैठकर भगवान को निहार रही है, और भगवान देखकर पूतना को बार बार नेत्र बंद कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, अब ध्यान भगवान ये सोच रहे हैं आखिर ये मिली पहली बार तो नहीं है, होता है कई बार आप लोग मंदिर में दर्शन करने जाओ और आपको कोई पहचानता है ना तो वो आपको एक दो बार पलट के तो देखेगा, इसको मैंने कहीं देखा है, इसको मैंने कहीं देखा है,
तब याद आएगा ये हैदराबाद में रहती है या हैदराबाद का रहने वाला है, ये हमारे कोई परिचित में लगते हैं। अब वो पहचान निकालेगा आखिर है कौन, तब समझ। तो यहाँ भगवान सोच रहे ये है कौन, फिर भगवान ने ध्यान लगाकर देखा ये राजावली की लड़की रत्नमाला दरवाजे की चौखट पर खड़ी होकर भगवान का दर्शन कर वामन अवतार का स्वरूप देखकर सोच रही थी इतने सुंदर बालक का दर्शन हुआ है इसको तो दूध पिलाऊं तो आनंद की अनुभूति हो, परंतु मन में सोचा इसने मेरे पिता को बंधन में कर दिया इसको तो विष पिलाऊंगी। भगवान के सामने दो कामना करी इसलिए आज दोनों कामना भगवान पूरी कर रहे हैं, स्तन पान भी करा रही है और विष भी पिला रहे दोनों। इसलिए कभी भी ध्यान रखो भगवान के सामने मंदिर में सत्संग में कथा में स्मरण में पूजन में सेवा के समय पर कोई फालतू की ऐसी बात अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए कि उसने मेरा ऐसा कर दिया तो मैं उससे बदला लूं। हो सकता है अगले जमाने में तुम राक्षसी बन के पैदा हो गए, तो बदले की भावना राक्षस प्रवृत्ति को जन्म देती है और जिसके भीतर बदले की भावना होती है वो राक्षस प्रवृत्ति को जन्म देने वाली भावना जीव का नरक भाव उत्पन्न कर देती है। नरक हमें बदला नहीं, कोई अपशब्द कहे उसको मिठास की वाणी बोलिए, कोई ने ताना दिया उसको प्रेम की वाणी बोलिए, कोई ने गाली दी भगवान की आरती गाइए तेरा तुझको क्या लागे मेरा भजन कुछ नहीं। पूतना को भगवान पहचान गए, स्तन पान पूतना ने कराया, भगवान ने दूध पिया किसका क्यों पिया, आखिर भगवान उस राक्षसी का दूध क्यों पी रहे हैं। भगवान इसलिए दूध पी रहे हैं क्योंकि पूतना स्तन में विष लगाकर पूरे ब्रज के बच्चों को पिला पिला कर दूध मार रही थी, बच्चों के प्राण छूट रहे थे तो मुंह के द्वारा छूट रहे थे, मुंह के द्वारा प्राण छूट रहे थे तो वो पूतना के स्तन में जा रहे थे, भगवान दूध पीने के बहाने सारे बच्चों के प्राणों को भगवान ने खींच लिया और दूध के माध्यम से अपने पेट में रख लिया क्योंकि मेरे लिए जन्मे थे इनका उद्धार मैं करूंगा। भगवान ने अपने पेट में दूध के माध्यम से सारे ब्रजवासियों के प्राण अपने पास रख लिए। एक बार भगवान के मन में आया ये बाहर के ब्रजवासियों का उद्धार मेरे चरण की रज से हो जाएगा पर जो अंदर पड़े उनका उद्धार कैसे होगा, तो भगवान ने अपने ही चरण की रज उठाकर खाना चालू कर दी, खुद अपने पांव की मिट्टी खा रहे। तो लोगों ने पूछा ही अपने पांव की मिट्टी क्यों खा रहे, तो यशोदा जी को पूरी सृष्टि का दर्शन करा दिया। भगवान ने अपने चरण की मिट्टी इसलिए खाई कि बाहर के जीवों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा, अंदर पड़े वाले जीवों का उद्धार कैसे करूं, तो अपने चरण की रज भगवान ने खाकर अंदर पहुंचा दी और अंदर बैठे जीवों का भी कल्याण कर दिया, अंदर बैठे हुए जीवों का भी उद्धार भगवान कर दिया। प्राणों को दूध पिया जब तक प्राण लेना थे सारे जीवों के, फिर विष पिलाया पूतना आकाश मार्ग से भागी, भगवान ने उसके प्राणों को हरा, छटपटाकर छोड़ छोड़ छोड़। अब अभी तक पूतना भगवान को पकड़ना चाह रही थी और अब भगवान पूतना को पकड़े थे। और याद रखना मनुष्य यदि भगवान को पकड़ता है तो वो छोड़ सकते हो, पर जिस दिन मेरे जगन्नाथ ने तुमको पकड़ लिया उस दिन फिर छुड़ाना मुश्किल है, मुश्किल। एक बार यदि भगवान पकड़ लिया है फिर कैसे छूटो। नारायण अगर पकड़े तो बात दूसरी, इसलिए बाप अपने बेटे को बाजार घुमाने ले जाता है तो बेटे को बाप बच्चे का हाथ कम पकड़ता है, बच्चे से कहता है कि तुम मेरे हाथ को पकड़ लो, बच्चा कहता है मेरे हाथ को पकड़ लो, तो बाप अपने बेटे के हाथ को इतना मजबूत से पकड़ता है कि बच्चा कहीं छूट ना जाए। उसी तरह जगत का बाप है मेरा जगदीश जगन्नाथ, हमारा हाथ पकड़ा है इसलिए हम जगन्नाथपुरी तक आ गए, उसने पकड़ा इसलिए, वो नहीं पकड़ता तो हम यहां तक नहीं पहुंच सकते।
इतना सुंदर कहा है किसी ने कि पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा? अगर आपको दुख आता है तो आप भगवान नारायण से कह सकते हो, जगन्नाथ से कह सकते हो, द्वारकाधीश से कह सकते हो। दुनिया के लोग क्या कहेंगे? खूब कथा में गया, खूब आनंद लिया, और अब दुख भोग रहा है। हमारा नहीं बिगड़ेगा कुछ नाथ, बिगड़ेगा तो किसका? तुम्हारा। तुम्हारा नाम खराब होगा कि तुम्हारे दरवाजे पर गए थे और तुमने साधा क्यों नहीं। वो जैसा भी था तो तुम्हारा है, तो तुम्हारा। अगर दुख आया, इसलिए भगवान कहता है तुम सुखी होकर जाओ, अलमस्त हो, दुखी होकर नहीं, सुख पाओ। भगवान पूतना के प्राणों को हरे, पूतना आकाश मार्ग से भागती भागती गई, नीचे गिरी, यशोदा जी थाल छोड़कर भागी, सारे ब्रजवासी भागे और पूतना धराशायी होकर जमीन पर पड़ी है। हजारों लाखों वृक्ष पूतना के शरीर के नीचे दब गए, हजारों लाखों वृक्ष। क्यों? भगवान को चिंता हो गई, अगर मेरे गांव में मर जाएगी तो आप पूरा गांव के मकान तोड़ जाएगी। जंगल में इसलिए मारा, कांस से इसलिए नीचे फेंका कि जंगल में गिरेगी, इतना बड़ा शरीर अगर गोकुल में कहीं गिर जाता तो इतनी सारी लकड़ी कहां से लाते अंतिम संस्कार करने के लिए। अब जिन जिन पेड़ पे गिरी है वो अपने आप इसके विष से सूख जाएंगे, तो बस केवल आग लगाने की देरी रहेगी, क्योंकि शरीर में इतना विष भरा था, उस विष की तपन से सारे वृक्ष अपने आप सूख जाएंगे इसके गिरते से, तो केवल आग लगाने की देरी रहेगी, और कुछ नहीं करना। करना क्या है? बस केवल। और भगवान पूतना धराशायी होकर नीचे, सारे ब्रजवासी कह रहे हैं उतारो, यशोदा जी कहती मेरे बेटे को उतारो, सारे ब्रज की निसेनियों को सीढ़ियों को लाकर बांध कर लगा दिया, पर पूतना के शरीर पे नहीं चढ़ पाए, इतनी ऊपर थी पूतना। तब यशोदा जी ने अपना चीर दिया, गोपियों ने अपना चीर दिया, उसको बांध कर जब फेंका कान के बाले में पूतना के उलझ गया, तब एक ग्वाला ऊपर चढ़ा, पूतना के शरीर पे से भगवान को लेकर नीचे आया। शास्त्र कहता है ज्ञान इतनी भी सीढ़ियां लगा लो, मेरा भगवान नहीं मिल सकता। पोथी पड़ पड़ जग मुआ पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित। ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी सीढ़ियां लगा लो, खूब सीढ़ियां लगा लो, भगवान मिलेगा नहीं। कई लोग कहते हैं, हम आप लोगों से भी निवेदन है, कथा सुनने के बाद अगर आप यहां से जा रहे हैं और आपको कथा में कुछ अच्छा लगा है कि हाँ हमें क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए, हाँ हमको मीठा बोलना चाहिए, हाँ हमको ऐसा करना चाहिए, मालूम पड़े कथा में से गए जैसे थे वैसे की वैसे दिखोगे, तो घर के लोग कहेंगे तो जिंदगी भर का रगड़ा छप जाती है, ऐसी कैसी आ जाती है। कथा में से जाने के बाद थोड़े बदले बदले दिखो तो घर के लोग भी किए अब अम्मा थोड़ी बदली बदली दिख रही है, तो लगे कथा का असर हो गया, मालूम पड़े जैसी थी वैसी की वैसी दिखे। तो मतलब क्या, ऐसी कथा पढ़ने से क्या मतलब हुआ? कथा पढ़ पढ़कर थोड़ा बदलाव दिखे अपने जीवन, थोड़ा बदलाव। वोई 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 जैसे थे वैसे की वैसे, जैसे थे वैसे की वैसे, क्या मतलब हुआ? थोड़ा बदलाव जीवन का होगा तो आनंद की अनुभूति होगी महाराज, आनंद का सुख। और नहीं तो जैसे थे यहां से जाने के बाद वही छल, वही कपट, वही बेईमानी, वही प्रपंच, वही चिल्ला चोट, वही गालियां, वही अपशब्द, तो फिर कथा सत्संग का रस तत्व क्या हुआ? बदलाव क्या मतलब? क्या कितनी बार सुन ली भागवत? बोलो बोलो, यहाँ पर माताएं बैठी हैं वो कहती हैं हमने तो 25 बार सुनी, कई कई बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं वो कहते हैं हमने 50 बार सुनी। हमारा निवेदन है 50 बार सुनने के बाद भी सुधरे, और अभी भी वही आशा है महाराज जी
प्रवचन कम दो, कथा ज्यादा सुना दो। वही कन्हैया जी का चरित्र, वही ध्रुव जी का चरित्र, वही नामदेव जी का चरित्र, वही तुकाराम जी का चरित्र, वही की वही 50 बार कह दिया। कितनी बार सुन ली उसके बाद नहीं समर पाए। अभी भी बैठ कर लोगों की आदत रहती है, कथा में भी ये अब निकालते रहते हैं, सुधरोगे कब? शास्त्र कहता है बुराई ना छाटती है, अच्छाई देखोगे तो अच्छाई मिलेगी, नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसी बुराई छाटते छाटते निकल जाएगी और जीवन नरक हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक गुलाब के पौधे में अगर गुलाब ढूंढने के लिए गए हो तो कांटों को मत देखना, किसको देखना? जम के बोलिए गुलाब, हमें जो मिल रहा है हमें उसमें संतुष्टि होना चाहिए। पर दुनिया के लोगों को जब अपन किसी के तन पर खूब सुंदर, कई बार हमने देखा यहाँ झांकी वाले, वो विपुल जी झांकी बनाकर भेजते हैं, सुंदर श्रृंगार करके भेज देते हैं, उसके बाद भी लोगों को लगता है वो परसों वाला श्रृंगार कितना अच्छा था, हमको तो ऐसा कर ही नहीं, तो भी उसमें भी संतुष्टि नहीं रहती। तुमने पार्वती जी को इतना अच्छा तैयार करा, तुमने शंकर जी को इतना अच्छा तैयार करा, तुमने नरसिंह जी को अच्छा तैयार करा, तुमने प्रहलाद जी को अच्छा तैयार करा, तुमने हमको तो ऐसा करा ही नहीं, तुमने उसको तो, ये आसक्ति हमारे भीतर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे का सुख देखा, अपना सुख नहीं देखा। और भागवत कहती है जब अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को तुम अच्छाई देना चालू करोगे, आपको लगने लगेगा कि हाँ मैंने जो कथा सुनी उसमें मुझे आज आनंद की अनुभूति हुई है, मेरे जीवन की सार्थकता है, कथा के रस तत्व को मैंने ग्रहण करा, अपने जीवन को सार्थक बनाया, तो मूलता है महाराज। नहीं तो जैसे थे, अरे बोलो तो वैसे की वैसे। हम माताओं से कई बार कहते हैं तुम घर पर जाओ तो थोड़ी बदली बदली दिखना। बदलने से मतलब ये नहीं है कि यहां वहां पर 50 किलो वजन था तो यहां से 48 किलो की होके जाओ, और ये भी मतलब नहीं है कि यहां 50 किलो की आई थी तो 60 किलो की होके जाओ, इससे बदलाव नहीं। बदलाव का मतलब है अपने जीवन में घर जाना तो बच्चों को लगना चाहिए कि मेरी मम्मी कथा में गई उसके बाद बदल गई, अब उनके मन में कुछ भी नहीं है, सबके प्रति संभाव रख रही है, सबसे मीठा बोलती है, बहू कुछ भी कर रही है, क्योंकि तुम बहू को तुम कितनी बार टॉर्चर करोगे, 50 बार टॉर्चर करोगे तो भी करेगी, तो इससे अच्छा क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, क्या मतलब बोलने से? बोलोगे और बहू तुम्हारे अनुसार काम नहीं करेगी तो बुरा किसको लगेगा, बोलो जम के, आपको ही लगेगा ना, आप बोलोगे तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए बोलो ही मत ही ना, ये समझो कि तुम जब तक हो तो देख रही हो और चली गई उसके बाद कौन बोलेगा। तो यही सोचो अपन अपने घर में रह रहे हैं ऐसे जैसे जल में कमल का फूल रहे हैं, अपने को नहीं बोलना मस्त। क्या बहू दो टाइम भोजन नहीं देती? अरे बोलो तो, देती है ना, चाय देती है ना, नाश्ता देती है ना, सब बहुओं का एक क्रम। और बहू भी ये चाहती है, हमारी सास याद रखना बुढ़ापे का परम आभूषण शिव महापुराण में लिखा है, शंकर भगवान ने कैलाश पर बैठकर ज्ञान दिया माता पार्वती को कि बुढ़ापे में सवरने के लिए तू शादी करने जा रही है गणेश की, तू शादी करने जा रही है कार्तिकेय की, तेरे घर में इतनी बहुएं इकट्ठी होंगी। कितनी बहुएं? गणेश जी की 5 पत्नी आएंगी और कार्तिकेय की 2 पत्नी आएगी। जब इतनी बहुएं इकट्ठी होंगी तो तुझे कैसे रहना है? तो शास्त्र कहता है, शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, बुढ़ापे का परम आभूषण धन नहीं होता, क्योंकि पैसा कई लोगों के पास होता है तो भी कोई उनका साथ नहीं देता। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। क्या रहना? मौन। बुढ़ापे में जितने चुप रहोगे उतने सुखी रहोगे, दिन भर बड़बड़ करोगे तो लोग पागल समझेंगे कि इसकी तो आदत ही बोलता है, बोल बोले तो कोई नहीं पूछे, आभूषण है बुढ़ापे का, मौन रहिए चुप रहिए, मौनता को धारण करिए। शास्त्र का अब यहां पर वर्णन किया, शास्त्र कह रहा है, भागवत कह रही है, मुझे ज्ञान और वैराग्य नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य की सीढ़ियां कितनी भी लगा लो भगवान नहीं मिल सकता। आप ज्ञान और वैराग्य की कितनी कितनी पढ़ो, कितना ही पढ़ लो, पर ज्ञान और वैराग्य की सीढ़ियों से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा कैसे मिलेगा? भक्ति के चीर से, निर्मल मन सो मोहि पावा। शास्त्र कहता है सतयुग में भगवान यज्ञ से प्रसन्न हो जाता था, त्रेता में भगवान यज्ञ अनुष्ठानों से प्रसन्न हो जाता था, तप साधना से प्रसन्न हो जाता था,
द्वापर में भी भगवान कई भावों से प्रकट हो जाता था, पर कलयुग का एक सार तत्व तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा। आप प्रपंचों में मत पड़ो, क्या करो, केवल भगवान का। सवेरे सवेरे मैंने देखा यहाँ पर माताएं वो प्रभात फेरी में आते हैं सभी लोग, तो प्रभात फेरी में माताएं भाई लोग यहाँ बैठ के ढोलक से खूब मंजीरे से भजन करते, नाम ले रहे हैं भगवान का, भगवत तत्व को धारण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह ढोलक बैठकर वो भगवान का भजन करना, थोड़ी देर प्रभात फेरी करके आए और भगवान का नाम जाप हो गया। प्रातः प्रातः के समय पर लोग तेरी मेरी करने में लगे रहते हैं और यहाँ लोग भजन करने में लगे रहते हैं। ईमानदारी से बोलो, कई लोगों का तो जो जितना घर पे व्हाट्सअप चलता था वो व्हाट्सअप यहाँ पर बहुत कम चल रहा है। भगवान का भजन, और व्हाट्सअप पे भी अगर भेज रहे हो तो उतना ही भेज रहे हो, किसी का शंकर जी का फोटो, किसी का नरसिंह जी का, किसी का राम जी का, कहीं भागवत जी का, कहीं जनता का, अच्छा ही भेज रहे हो। और जब तुम दुनिया को अच्छा दोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। यश ददाती इति यशोदा, दूसरे को यश दोगे तो यश मिलेगा, अपयश दोगे तो अपयश मिलेगा। आप किसी के लिए बुरा कहिए आपको बुरा मिलेगा। कितनी सुंदर बात कही वो वैज्ञानिक ने, अमेरिका के रिसर्च करने वाले ने रिसर्च में निकाला, हमारे मुख से जो वाणी निकलती है 14 दिन के अंदर वो वाणी वापस हमको मिलती है। आपने किसी को गाली दी 14 दिन के अंदर वही गाली जो बकी है आपने, वही गाली आपको किसी ना किसी के माध्यम से आपको जरूर मिलेगी, ये पक्का है। अमेरिका में रिसर्च करा, 14 दिन के अंदर वाणी घूमकर अपने पास आती है, वो 14 दिन के अंदर वापस अपने पास आएगी, क्योंकि वायुमंडल में घूमती है वो किसी के माध्यम से भी आएगी, पर वो गाली जो तुमने दूसरे को दी है वो अपने को जरूर प्राप्त हो। तो ऐसा बोलो ही काय को, दूसरे के सामने ऐसा व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो, वैसा व्यवहार करने का प्रयास। ज्ञान और वैराग्य की सीढ़ियां छोटी पड़ गई, भक्ति का चीर बांध दिया, कन्हैया नीचे आ गए। यशोदा जी ने गाय के बछड़े की पूंछ पकड़कर नजर उतारी, बछड़े में धब दी, बछड़ा भाग गया, समझो नजर भाग, नजर गई, नजर चली गई। यशोदा जी लाला को लेकर आई, तृणावर्त को भगवान ने मार गिराया, गर्गाचार्य बाबा ने गौशाला के अंदर बैठकर नामकरण संस्कार किया। कहां बैठकर? गौशाला। आज के जमाने में धर्मशाला में होता है, पहले गौशाला। याद रखिए, गौशाला के अंतर्गत पूरे जीवों में केवल एक मां गौ माता ऐसी होती है जो समय की और दृष्टि की पक्की होती है। काई काई की समय और दृष्टि पक्की है। एक राजा ने, आज सेठ जी ने विचार करा, नगर के राजा ने कहा अपन सब हरिद्वार चल रहे हैं घूमने के लिए, दर्शन के लिए, गांव के सारे जितने भी जवान लोग हैं तैयार हो जाओ। सबको जवानों को ले लिया, बूढ़ा एक भी नहीं जाना चाहिए, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। गायों को लेके चलो दूध दोने के लिए, और सब जवान चले। एक बूढ़ा बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरा मन भी हरिद्वार जाने का है, मुझे ले चल। बेटा कहने लगा, पिताजी राजा को मालूम पड़ गया तो मार के काट देगा गला। अरे बेटा ले चल। बेटे ने कहा, एक काम करता हूँ, जिसमें कपड़े भरूंगा उसी बोरी में तुमको रख लूंगा। बाप कपड़े की बोरी के अंदर बाप को रख लिया, छोटा सा छेद कर दिया श्वास आने के लिए, एक पाइप दे दिया, इसमें पानी डाल दूंगा पी लिया करना, इसमें भोजन डाल दूंगा खा लिया करना, ठीक है। ले गए, बीच रास्ते में आधी दूर पहुंच गए। आधी दूर जाने के बाद में आगे आगे गऊओं को रखा, पीछे पीछे सब चले, उसके पीछे राजा आनंद लेता हुआ चला। आगे रास्ते में पता चला कि राजकुमारी की तबीयत खराब पड़ गई, जल्दी चलो वापिस चलना। अब वापिस चलना, घने जंगल में पहुंच गए, वापिस कैसे जाएं? रास्ता किसने देखा? राजा ने कहा, इतने विद्वान विद्वान ब्राह्मण मेरे साथ में आए हैं, मेरे को रास्ता दिखाओ और मेरे राजकुमारी को देखने के लिए जाना, जल्दी चलो। अब सबसे पूछा एक दूसरे से, तुमने रास्ता देखा? नहीं। तुमने देखा? नहीं। सबको रास्ता नहीं मिलता, करें क्या, बड़ी आफत में पड़ गए। अब करा जाए तो क्या करा जाए? और राजा ने कह दिया, अगर कल तक रास्ता नहीं मिला तो सिर काट दूंगा सारे ब्राह्मणों का। सारे के सारे पंडित आपस में पड़ गए, ये तो बड़ी आफत हो गई, क्या करें। बेटा रो रहा था, बाप से देखा नहीं गया। बाप ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? तो बेटा बाप से बोला, पिताजी क्या बताएं, कल राजा सिर काट देगा क्योंकि रास्ता किसी को नहीं मालूम। पिताजी बोरी के अंदर से बोले, चिंता मत कर, इन गायों में से एक गाय तो ऐसी होगी जो ब्याही होगी,
बछड़े को घर छोड़कर आई होगी, गाय को छोड़ दो, गाय खुद अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते जाएगी, तुम उसके पीछे पीछे चल चलो। ब्राह्मण ने कह दिया महाराज जितनी गायें लाए हैं सारी गायों को छोड़ा जाए, और गाय में से एक गाय ब्याई हुई थी उस गाय को देख लिया, ये गाय ब्याई है, इस गाय को छोड़ा। गाय को छोड़ा, गाय ढूंढते 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 राजमहल तक पहुंच गई, जिस नगर से आई थी उसी नगर में पहुंच गई। राजा ने पंडित को बुलाया, इधर आ, तुझे इतना ज्ञान कहां से आया, तू बता। अब पंडित जी सोचे मरा, बता, अगर इसको बता दिया कि पिताजी बोरी में थे तो हो गया कल्याण, तुझे इतना ज्ञान कहां से आया। पंडित जी बोले सत्य बोलूंगा, मर जाऊं भले, कहा महाराज पिताजी का बड़ा मन था तीरथ करने का, उनको बोरी में भर के लाया, पिताजी ने बताया कि ब्याई हुई गाय को छोड़ दो, गाय अपना घर का रास्ता ढूंढ लेती है, क्योंकि उसकी दृष्टि बड़ी पक्की होती है, समय बड़ा पक्का होता है, एक दृष्टि गाय की और एक समय, दो बड़ा पक्का है, एक बार रास्ता देख लेती है तो तुम्हारे दरवाजे पर कहीं से भी पहुंचेगी, तुम भले समय पर दरवाजा मत खोलो पर 3 बजे अगर रोटी दी है तो ठीक 3 बजे तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी मिलेगी, ये पक्का, एक दृष्टि एक समय निश्चित। इसलिए नामकरण संस्कार कहां करा जाता था, गौशाला में, क्यों, गौशाला में अगर बच्चे का नामकरण संस्कार करेंगे तो हमारे घर के बच्चे का, हमारे घर के बेटे का, हमारे घर की बेटी की दृष्टि और समय निश्चित रहेगा, समय पर सवेरे उठेगी, समय पर भजन करेगी और दृष्टि निश्चित रहेगी, हम जैसा कहेंगे वैसा करेगी, हम कहेंगे इस लड़के से शादी करो उसी लड़के से करेगी, हम कहेंगे ऐसी पढ़ाई करो ऐसी ही पढ़ाई करेगी, उसकी दृष्टि और उसका समय निश्चित हो जाए।